गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हैप्पी चिरप. आज मेरे साथ हैं कुरतलैन वकास, हु हैपेंस टू रन हर ओन आर्किटेक्चर कंपनी, राइट? यस. हाँ, सो इनकी लाइफ हम थोड़ी सी डिस्कस करना चाह रहे थे एंड हाउ शी वाज एबल टू बिल्ड दिस आफ्टर ऑल द चैलेंजेस एंड यू नो जस्ट हाउ के लाइक एक औरत के लिए फ्रॉम यू नो बचपन से लेके फिर शादी फिर बच्चे एंड देन उसी के साथ साथ वर्क को मैनेज करना या अपनी कोई चीज़ बनाना, व्हाट डज़ दैट जर्नी सॉर्ट ऑफ लुक लाइक. सो वो हम कुरतलैन की जर्नी से हम एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं ऑन दैट. सो हाउ आर यू कुरतलैन? आई एम गुड, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर कमिंग, फॉर टेकिंग, थैंक यू फॉर इन्विटेशन. अच्छा, सो I would really like to sort of start from you know your bachpan, jo aapka childhood hai, jo background hai. Where were you born and raised? Actually, मैं पैदा हुई थी पिंडादन खान में, जो डिस्ट्रिक्ट जेहलम का एक तहसील है. तो वहाँ वो बेसिकली एक छोटे सा तहसील है, तो उसमें जो है वो एजुकेशन सिस्टम जो है वो इतना अच्छा नहीं है. और हम लोग 6 बहन भाई हैं. और आप किस नंबर पे हैं? मैं सबसे बड़ी हूँ. अच्छा. और ऐसे था कि शुरू से जो है मेरे फादर जो हैं वो 8th क्लास में थे जब उनके फादर की डेथ हुई, मेरे दादा की. अच्छा. तो उसके बाद फिर उनको अपनी पढ़ाई रोकनी पड़ी क्योंकि ऑब्वियसली उनके बाकी बहन भाई थे, छोटे थे, और उनको फिर मैनेज करनी थी चीज़ें. तो दादा का जो बिज़नेस था अबू ने वो संभालना शुरू कर दिया, तो अबू पढ़ नहीं सके थे. तो अबू के अंदर जो एक चीज़ रह गई हुई थी कि मैंने पढ़ना है, वो उनका फिर अब था ये कि मैंने अपने बच्चों को बहुत पढ़ाना है. तो मैंने मैट्रिक तक हम पिंडादन खान में ही रहे थे और मैंने उधर से ही मैट्रिक किया अपना. और उसके बाद फिर मेरे फादर ने ये डिसीजन लिया कि मैंने अपने हर बच्चे को जो भेजना है पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरा हर बच्चा पढ़े और हर बच्चा डिफरेंट पढ़े, ताकि जो उनके अंदर जो है वो पढ़ाई की जो चीज़ रह गई कि वो खुद नहीं पढ़ सके, तो वो जो है वो मतलब उस चीज़ को शायद वो पूरा करना चाह रहे थे. तो मैं आर्किटेक्चर इंजीनियर हूँ. मेरी मुझसे छोटी बहन चार्टर्ड अकाउंटेंट है. अच्छा. मेरी बहन जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट है. मेरे दो भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. तो अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने अबू के चीज़ को जो है वो मतलब पूरा फुलफिल किया है. हाँ जी. मेरी एक बहन आर्टिस्ट है, वो रेजिन आर्टिस्ट का काम करती है. अच्छा. तो ये था कि हम लोगों ने मूव किया अपनी पढ़ाई के लिए. मैट्रिक के बाद मेरे फादर ने डिसीजन लिया, उन्होंने अपना बिजनेस जो है वो अपने भाइयों को हैंड ओवर किया एंड देन ही मूव टू लाहौर फॉर अस. तो हम सो डिड ही स्विच लाइक हिज जॉब, क्या उन्होंने लाहौर में आके फिर अपना दोबारा से बिजनेस सेटअप किया. अच्छा. उन्होंने फिर सेटअप दोबारा से किया, लेकिन उनको भी जाहिर है शुरू में काफ़ी चैलेंजेस आए, लेकिन उन्होंने ये डिसीजन आई थिंक बहुत बड़ी बात है बिकॉज आपका सब कुछ सेट है और सब कुछ चल रहा है. एग्जैक्टली. और फिर आप वहाँ पर नई जगह पर जाके स्क्रैच से सब शुरू करना है, तो और ऑब्वियसली आपके अंदर वो एनर्जी भी नहीं होती जो आप जब यंग होते हो तो वो होती है, लेकिन फिर भी मतलब उनकी एक ही मोटिवेशन थी, उनके बच्चे और उनके बच्चे पढ़ जाएं. तो इस वजह से तो हम लोग अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने जो है उनके इस ख्वाब को पूरा किया है. लेकिन उनकी इसकी हमारी इस चीज़ के पीछे ना उनकी अगर सपोर्ट नहीं या उनकी मतलब ये ख्वाहिश ना होती तो शायद हम इस टाइम इस जगह पे ना होते. तो आप मुझे ये बताएं कि आपने मैट्रिक के बाद यू मूव फ्रॉम पिंडादन खान टू लाहौर. जी. सो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए वो कैसा एक्सपीरियंस था कि इट्स स्मॉल टाउन से बिग सिटी में मूव करना? बहुत बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि हम एक छोटी जगह से आए थे और लाहौर था. फिर हमारा मैंने जब एडमिशन लिया अपने कॉलेज में तो डिफेंस डिग्री कॉलेज में था, तो वहाँ पे जो सारी लड़कियाँ बड़ी मॉडर्न सी होती थी और बड़ी मतलब हमारी तो इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं थी टू बी फ्रैंक. तो क्योंकि मुझे याद है कि जो हमारे उधर इंग्लिश के टीचर होते थे वो कर्ली को कुरली पढ़ते थे. अच्छा. तो आप भी कुरली पढ़ते थे, मतलब इमेजिन कर लेंगे फिर हम लोगों की किस तरह की मतलब होगा ना. तो वो इससे छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस भी डेवलप कर सकती हैं कि अच्छा हम शुरू शुरू में फिर होता था क्योंकि हम बहुत सिंपल से थे, हम वैसे मॉडर्न और ऐसी चीज़ें तो हमारी वैसे अभी तक भी नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन तो बहुत मुश्किल था शुरू शुरू में. तो ना हम बाकायदा एक थोड़ा सा फेज़ आया जब हम थोड़े से डिप्रेस हुए. जो छोटे बहन भाई थे बाकी वो तो स्कूल में गए और उनका इतना इशू नहीं था. बच्चे जब आप होते हो तो यू कैन तो मैनेज
शायद और स्कूल में शायद इतनी डिफरेंट चीज़ें भी नहीं होती हैं, लेकिन जब कॉलेज लेवल पे ही हम गए और कॉलेज में भी फिर जब आपको बहुत कल्चर भी डिफरेंट था वहाँ का, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हुआ, फिर फ्रेंड्स नए बनाने में भी प्रॉब्लम हुआ, तो लेकिन मतलब अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा सा टाइम ऐसा गुजरा कुछ मंथ्स और इसके बाद फिर चीज़ें सेटल होना शुरू हो गई थी, लाइक कि ऐसे था कि हमने अपनी पढ़ाई के ज़रिए ना अपनी जगह बनाई अपनी क्लास में, मतलब ऐसे था कि लाइक एग्ज़ाम्स में टेस्ट्स में अच्छा स्कोर करते थे तो आपको टीचर हाईलाइट करती थी, तो इस तरह फिर आपकी फ्रेंड्स भी बनना शुरू हो जाते हैं और ये वो। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप मॉडर्न नहीं हो या आप बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोलते हो तो लेकिन और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिसके ज़रिए आप अपनी जगह बना सकते हो। राइट तो फिर हम लोगों ने कुछ महीने के बाद जो है वो मिक्सअप हो गई, सेटल हो गई चीज़ें और इस तरह से तो काफ़ी मतलब वो टाइम मुश्किल था लेकिन हो गया, गुजर गया वो भी। सो एक सवाल है, सो ग्रोइंग अप आपके अबू ने बहुत ज़्यादा एजुकेशन पे आपने कहा कि स्ट्रेस दिया एंड ही वांटेड कि आप लोग सब कुछ बनो, बिल्कुल, बट यू एज अ यंग गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, आपके जहन में कुछ था कि मैंने बड़े होके कुछ बनना है, या आप यू जस्ट सॉ योरसेल्फ sort of getting married and you know being a housewife ab, मतलब ऐसे था कि शायद ना हमारे फादर ने हमारा ब्रॉट अप ही ऐसे किया था कि ना हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। अच्छा। और हम सब बहन भाई जो हैं मतलब उनके पास जो डिग्रीज या जो स्किल्स हैं वो ऐसे हैं कि हम अल्लाह का शुक्र है कि हम सब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। आज जब मेरे फादर नहीं हैं तो भी मतलब उनकी कमी तो है, लेकिन जो एक मतलब होता है कि फादर ना हो और उसके बाद जो फाइनेंशियली इश्यूज आते हैं और ये वो, अल्लाह का शुक्र है कि वो चीज़ें नहीं है। शायद वो हमें इस काबिल कर गए हैं, अपने पैरों पे खड़ा कर गए हैं, वो शुरू से ही ना उन्होंने हमें आई डोंट नो, ये नहीं है कि उन्होंने कहा था तुमने ये बनना तुमने ये बनना है, लेकिन वो घर में जिस तरह की बातें या जिस तरह की वो आप फिर मतलब मोटिवेशन देते हो ना बच्चों को, तो शायद अंदर ही कहीं ना आपके दिमाग में ये चीज़ होती है, एनकरेजमेंट थी कि भाई आप लोगों ने कुछ बनना है। और उन्होंने मतलब ये भी कहा था कि ठीक है ये नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि तुम लोग डिग्रियाँ लेके घर बैठ जाओ। इवन कि जब मतलब मेरा रिश्ता हो रहा था तो मेरे फादर ने एक ही बात की थी मेरे इन लॉ से कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी जो है ना वो जॉब लाजमी करे। अच्छा, सो ये इंटरेस्टिंग इसलिए है ज़्यादा क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्मॉल टाउन में रहने वाले लोग ये थिंकिंग नहीं रखते। सो वाज क्या आपको लगता है कि जहाँ से आप थी पिंड दादन खान वहाँ पर ज़्यादातर लोग ऐसे थे, या आपके अबू वहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट सोच रखते थे? नहीं, वहाँ पे अभी भी जाहिर है और मतलब हैं लोग, लेकिन इस तरह की सोच जो है ना, मतलब मैं यही कहूँगी कि वो मेरे फादर की, वो मुझे लगता है कि वो ना बहुत दूर का सोचते थे। हर बंदे का एक डिफरेंट होता है, वो हर चीज़ की ना प्लानिंग बहुत पहले कर लेते होते थे, छोटी से छोटी चीज़। इवन अभी मतलब मैं अभी उनकी अगर डायरी खोलूँ ना, हम ना आप यकीन करें, मैंने कुछ दिन पहले उनकी डायरी खोली और उन्होंने ना पूरी कैलकुलेशन करके रखी हुई थी कि हमने ऊपर एक और स्टोरी बनानी है तो उसमें कितने एक्सपेंसेस आएंगे और ये वो हम नहीं बना सके, मतलब उनसे पहले मेरे अबू की डेथ हो गई, लेकिन उनकी डायरी में ऑलरेडी सब चीज़ों की कैलकुलेशन और सब चीज़ें मौजूद थी। वो पहले से ही ना चीज़ों को प्लान कर लेते थे, थोड़ा सा जैसे होता है ना कि थोड़ा दूरंदेश बंदा, तो शायद उन्होंने देखा था कि ज़माना किस तरफ चल रहा है और वो ज़माने मतलब वो बड़े अपडेटेड थे, वो ये नहीं है कि वो मतलब बैकवर्ड एरिया में थे तो उनको पता ही नहीं था, वो अपडेटेड थे हर चीज़ से कि क्या हो रहा है और क्या बेहतर से बेहतर मतलब वो ये नहीं है कि हम, वो कह रहे थे कि मतलब दादा जहाँ थे मैं दादा से बेहतर चीज़ पर तुम लोगों को लेके आया हूँ एंड देन तुम लोगों ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को उसे बेहतर चीज पे लेके जाना है। ठीक है, ये नहीं है कि हम ओके फाइन हम यहाँ पे हैं और हमें सब कुछ मिल रहा है, बेसिक नेसेसिटीज तो हमारी पूरी थी, तो ये नहीं है कि हमने उस पर रिलाय करना है, उस पर नहीं करना, नहीं। ग्रो करना है हमने। तो बेसिकली वो ये चीज जो है ना, ये शायद उनकी तरबियत का पार्ट थी। तो इस वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये होता है कि उनका होता है कि अच्छा नहीं बेटियों को ज़रूरत नहीं है, मतलब बेटे कर मतलब या इस तरह, मैं ये नेसेसरीली ये नहीं कह रही कि वो रोकते भी हैं कुछ लोग कि वो अपनी बेटियों को उस लेवल की एजुकेशन नहीं देते कि शादी ही करनी है रोटियां ही बनानी है। हाँ, या इतना कोई ज़रूरी नहीं है, बस कुछ लोगों का होता है कि इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। सही, एक तो बिल्कुल वो है जो कह रहे हैं कि नहीं क्या
जरूरत है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल कुछ लोग हैं अच्छा अगर नहीं भी हुआ तो खैर है, तो खैर है. व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम यू इज कि आपके फादर का था कि नहीं इन्होंने करना ही करना है, करना है. हाँ, सो वो आई थिंक वो एक बहुत डिफरेंट सोच है. बिल्कुल ऐसा ही है. मतलब मैं चाहूंगी आजकल के दौर में तो वाकई ही मैं चाहूंगी कि हर फादर की ऐसी सोच होनी चाहिए. मैं कहती हूँ बेटे पढ़े ना पढ़े, बेटियों को जरूर पढ़ना चाहिए. और हम वैसे भी हम पहले चार बहने हैं, फिर हम भाई, मेरे दो भाई हैं. अच्छा, तो हम बड़ी बहने ही हैं. तो इवन मतलब उन्होंने ख्वाब आप लोगों के लिए भी वही देखे, वही देखे उन्होंने, मतलब ये फर्क ही नहीं किया. हालांकि जब मेरी चौथी बहन पैदा हुई, लिटरली मैं आपको ये बताऊं कि ना लोगों ने आके ना मेरी अम्मी के साथ अफसोस किया, हाय फिर कुड़ी हो गई है. और मेरी बहन का ना हर बर्थडे पे ना कोई ये ना लाइन आके बोल के जाता है कि तुम पता है जब तुम पैदा हुई थी तो सब लोगों ने ऐसे कहा था, तो उसके बाद गुस्सा आता है. तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने उन सब लोगों को रॉन्ग प्रूव किया है. अब सब लोग हमारी एग्जांपल्स देते हैं, जो भी हमारे सोशल सर्कल में है, हमारे मतलब हम पीछे जाते हैं अपने गांव में उधर भी, तो हमारी एग्जांपल्स दी जाती हैं. अब तो वो प्राउड होता है, खुशी होती है. एग्जैक्टली, खुशी होती है. हमें अल्लाह का शुक्र है कि हम इस काबिल हुए. सो यू आर सेइंग कि आपके जहन में, क्योंकि आपके घर का माहौल, आपके अब्बू की बातें और फैमिली का वो इस तरह से था, तो आपके जहन में हमेशा था कि यू हैव टू बिकम समथिंग. बट सो फिर ग्रोइंग अप, व्हाट डिड यू वांट टू बिकम? हम ना मतलब मैं ना कुछ ऐसा करना चाह रही थी कि मैं मतलब ये नहीं है कि मैं किताबी बातों में ही रह जाऊँ, मैं कुछ प्रोड्यूस करूँ, मैं कुछ. तो ये बचपन से था आपके अंदर? नहीं, बचपन से क्या था? बचपन में ऐसा, बचपन में मतलब इतना नहीं था, एक्सपोजर नहीं था इतना, तो शायद इतना कुछ भी नहीं था. कुछ तो होगा कि टीचर बनना है, ऐसा कुछ भी नहीं था? नहीं. हाँ, मुझे पता था कि मैंने डॉक्टर नहीं बनना. ये चीज़ क्लियर थी मुझे, क्योंकि मैं ना मतलब ब्लड और ऐसी चीज़ें मतलब मुझसे नहीं देखी जाती, हैंडल होती. तो मैं ये तो क्लियर थी कि भाई मुझे डॉक्टर नहीं बनना. आई वॉज गुड इन मैथ्स, तो मुझे ये था कि मैं इंजीनियरिंग वाली साइड पे ही जाऊँगी. पर फिर उसके बाद जब मैं FSC में आई, और फिर जब आपको थोड़ा सा आपको प्रोफेशंस का एक्सपोजर होता है, फिर लोगों को देखते हो, और ऑब्वियसली मैं लाहौर में आ गई थी तो आप ज़रा चीज़ों को देख रहे हो, तो एक्सपोजर. तो उसके बाद फिर मतलब मुझे था कि क्यों ना मतलब ऐसी चीज़ बनाऊँ कि ये नहीं है कि मैं ऑफिस में बैठ के बस क्लर्की करती रहूँ, या कुछ ऐसा नहीं करना मुझे ना, कुछ ऐसा करना है कि मैं कुछ प्रोड्यूस करूँ, कोई ऐसी चीज़ हो जो मैं बनी हुई देखूँ और मैं कहूँ कि हाँ ये मैंने बनाई है. तो दैट्स वाई आई चूज़ आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, कि मैं इस फील्ड में आऊँ और फिर कुछ भी डिज़ाइन करूँगी, चाहे कमरे का ही डिज़ाइन कर लूँ. शुरू में तो इंसान का सोच इतनी होती क्योंकि फाइन मैं कमरा डिज़ाइन करूँ और वो वैसा बनेगा तो अच्छा मैं ये मैंने डिज़ाइन किया, मैं कह सकती हूँ. तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर इंसान अपना वो बड़े बड़े लेवल पर सोच ना कि अच्छा हाँ मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ. तो इसलिए मतलब मैंने ये फील्ड चूज की थी कि मैं कुछ क्रिएट करूँ बेसिकली. सो आपका आर्ट्स में इंटरेस्ट था? या मैंने मैथ्स में इंटरेस्ट मेरा ज़्यादा था. और लेकिन फिर मैंने जब आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दी, उसके बाद फिर मेरा आर्ट्स में इंटरेस्ट डेवलप हो गया था. उससे पहले ज़रूरी था? हाँ, ज़रूरी था, उससे पहले नहीं था. लेकिन ये था कि मतलब बस ये सोच थी कि नहीं नहीं मैंने कुछ ऐसा ही करना है. तो लेकिन बेसिकली शायद सलाह ने हमें जिस ट्रैक पे लाना होता है वो अलामिया नहीं सोच डालनी होती है हमारे अंदर. तो इस वजह से आर्ट्स का वरना पहले मुझे कोई शौक नहीं था कि मेरी ड्राइंग अच्छी हो या मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था. सो आपने फिर ये डिसीजन आपका कम्प्लीटली योर ओन था कि आपने फिर आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग करनी है? हाँ ऑब्वियसली, मतलब ये मेरे अपने पेरेंट्स से बंदा डिस्कस करता है अभी. उस लेवल पे हम इतने इंडिपेंडेंट नहीं होते कि हम ये कहें कि मैंने ये करना है और कहें तो. लेकिन मतलब मेरे अबू को था कि हाँ ठीक है, ये ऐसी चीज़ है कि इसमें ना आपके स्किल्स इन्वॉल्व हैं, कि अगर कल को हम ऑफिस में नहीं भी जाते, ऑफिस जॉब नहीं भी करते, तो हम ऐसी जॉब हैं जो कि हम स्किल्डफुल जॉब है कि हम कर सकते हैं मैनेज. तो इसलिए फिर उन्होंने मुझे कहा कि हाँ तुम इसमें जाओ, क्योंकि स्किल्स मैटर करते हैं. मैं मतलब यही कहूँगी कि हर लेडी को इस तरह की जॉब्स करनी चाहिए जहाँ पे स्किल्स इन्वॉल्व हों, ताकि then you're always important and always relevant. Exactly. तो फिर ये था कि स्किल्डफुल जॉब थी, मैं मेरे पास स्किल्स आ गए. तो इवन जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं कि फाइन वो घर बैठ के भी डिज़ाइन कर लेते हैं. आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन का ट्रेंड थोड़ा सा ज़्यादा है. तो इस वजह से फिर एक और मोटिवेशन जो ये थी कि ओके फाइन इसमें स्किल्स इन्वॉल्व है, मैं एक डिग्री ही सिर्फ नहीं ले रही हूँ, मेरे पास स्किल्स आएंगे. सो दैट्स व्हाई मैंने ये चूज़ किया था. हाँ अच्छा, सो इस सारी सिचुएशन में आपकी मदर की क्या ओपिनियंस थी? उन्होंने कभी काम किया था या शी वाज ऑलवेज एट होम? नहीं, मेरी अम्मी जो हैं वो एक हाउसवाइफ हैं, और मेरे अप्पू ने ना मेरी अम्मी को भी बच्चों की तरह रखा है आपने. मतलब उन्होंने कभी
इंडिपेंडेंट वो नहीं, अबू के बगैर नहीं थी, वो हमेशा अबू पे ही डिपेंडेंट रही थी और हर चीज़ में बस यस 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 हाँ. उन्होंने करना होता था, क्योंकि उन्हें था कि ये घर के सरबराह हैं और इनकी हाँ. मतलब वो ट्रस्ट करती थी कि ये जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने कभी इस चीज़ को वो नहीं किया. हाँ ऑब्वियसली मदर की सपोर्ट भी चाहिए होती है घर में बच्चों को, तो लेकिन उन्होंने अबू के पीछे अब हर फैसले को सपोर्ट ही किया है. हाँ कि इफ दिस इज व्हाट ही वांट्स फॉर द चिल्ड्रन तो ओके. हाँ मतलब शी इज ओके विद इट. फिर आपने आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग की कहाँ से? मैंने यूईटी लाहौर से की. यूईटी लाहौर से की, और वो कैसा था? आई थिंक वो यूईटी इज अ रियली ग्रेट इंस्टीट्यूशन फॉर दिस. वो वाले जो मेरी जिंदगी के 5 साल थे ना, वो मतलब शायद गोल्डन ईयर्स थे. अच्छा. हाँ मतलब यूनिवर्सिटी लाइफ शायद ऐसी होती है, आई डोंट नो, या वो मतलब बहुत अच्छी मुझे फ्रेंड्स मिल गई, मेरा सोशल सर्कल बहुत अच्छा था. और फिर उसके बाद मिलके प्रोजेक्ट्स करना और मिलके जो है वो असाइनमेंट्स के लिए विजिट्स करना और ये वो, तो वो टाइम बहुत मज़े का गुजरा मेरा ना, बहुत अच्छा गुजरा. और इस टाइम तक शायद इतना कॉन्फिडेंस भी आ गया हुआ था. 2 साल गुजार चुकी हुई थी FSC के मुश्किल जगह पे. क्योंकि UET एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से हर तरह के लोग आते हैं. बिल्कुल yes. तो उसमें ये नहीं था कि मतलब वही कोई हाई फाई क्लास ही है और ये वो, तो हर तरह के लोग थे. आप इजीली मिक्सअप हो सकते हो, कोई मतलब अमीर आया है, कोई मिडिल क्लास आया है, कोई पता नहीं किस इलाके से आया है, कोई किस इलाके से आया है, तो वो फिर ज़्यादा अच्छा मतलब एज ए इंस्टीट्यूट भी वो बहुत अच्छा है कि कल्चर और लोग डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी. आई डोंट अब वैसे, अब मैं लास्ट टाइम जब UET गई हूँ कोई 1 साल पहले, तो अब मुझे ऐसी चीज़ें नहीं मिली. मतलब चेंजेस ऑब्वियसली आ रही हैं, लेकिन पहले जो है मैंने 2007 में मैंने UET ज्वाइन की थी. मेरा सेशन 2007 से 12 तक का था, तो उस टाइम पे जो है ना वो बड़ा मतलब अच्छा होता था. तो अब तो वैसे भी चेंजेस आ रही हैं ऑब्वियसली लोगों में, माहौल में. हाँ. और अब तो इतनी ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ चुकी हुई हैं, इस वजह से भी ऑब्वियसली फिर यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड डिफरेंट हो जाता है. थिंक एज अ कोर्स वहाँ पे आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग अच्छा था, टीचर्स कोर्सेज? मुझे बाकी यूनिवर्सिटीज़ का मुझे आइडिया नहीं है इतना कि मैंने बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी देखा हो, क्योंकि मेरे फादर चाहते थे कि मैं UET लाहौर आऊँ, और उसके पीछे की रीज़न ये थी कि मैं मेरे एक ताया भी हैं जो कि UET में पढ़ चुके हैं, उनका बैच था 1967 का, अच्छा लाइक मेरे से 40 साल पहले का. तो क्योंकि मेरे ताया ने वहाँ से पढ़ा था, तो ये मेरे फादर का था कि एक ट्रेडिशन हो जाएगा ना, क्योंकि फाइन ताया ने पढ़ा था, फिर उसके बाद भतीजी भी वहाँ पढ़ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा वहाँ एडमिशन हो. तो मेरा वहाँ पर हुआ था, और उसके अलावा कॉमसेट्स में हुआ था, और अच्छा. मैंने फिर उसके बाद चूज़ मैंने UET लाहौर ही किया. I think UET Lahore for engineering and architecture engineering is a really good school. NCA वगैरह में मतलब मैंने अप्लाई नहीं किया था. अच्छा जी. So I think वैसे भी NCA में थोड़ा सा difference है ना, वो sketches और वो उनका architectural design है. जी exactly. UET is architecture engineering है, बिल्कुल सही है, फर्क होता है. बिल्कुल इस बात को भी सही कह रही हैं आप, उसमें फर्क होता है, क्योंकि engineering में वो फिर हमारे पास calculation भी आ जाती है, mathematics की और इस तरह की चीज़ें ना. तो आई वॉज नॉट गुड इन स्केचिंग, तो इसलिए मैंने NCA का टेस्ट ही नहीं दिया. क्योंकि उसके लिए यू नीड टू पास द आर्ट्स टेस्ट. एग्जैक्टली. हाँ तो इस वजह से मैंने UET लाहौर चूज करने के ये रीजंस थी. हाँ सो फिर जब आपकी ग्रेजुएशन हो गई और आप आर्किटेक्ट की के लाइन आए, आर्किटेक्चर इंजीनियर की, आर्किटेक्चुरल इंजीनियर बन गई जी. सो फिर वो डिड, उसके बाद आपकी शादी हुई या आपने पहले काम किया या? नहीं क्या? मैं 2012 में ग्रेजुएट हुई थी, उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट की थी. और जॉब, हालांकि जो मुझे पहली जॉब मिली वो मुझे थी, मेरी सैलरी 14,000, और जो मेरे पिक एंड ड्रॉप का खर्चा होता था वो था 16,000. ओह माय गॉड. लाहौर में ही थी ये जॉब? लाहौर में थी. हाँ. लेकिन मतलब घर से दूर होता है, तो फिर आना जाना, अगर फ्यूल और एक्सपेंस और इस तरह से मैनेज करें, तो वो इस तरह से था. तो लेकिन फिर भी मतलब मेरे फादर ने मुझे कहा कि नहीं, तुमने इस टाइम पैसों को नहीं देखना. हाँ. ठीक है, तुम्हें एक्सपीरियंस गेन करना है, एक्सपीरियंस मैटर करता है. तो खैर मैंने जो है वो जॉब स्टार्ट की, और वहाँ से मुझे बहुत अच्छी मतलब टीम थी, उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा था. और उसके बाद फिर साथ ऐसे था कि मैंने HEC के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो मुझे मास्टर्स का स्कॉलरशिप मिल गया HEC की तरफ से. तो फिर मैंने मास्टर्स अपना UET लाहौर से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, बिल्डिंग इंजीनियरिंग में. तो फिर मीनवाइल मास्टर्स के दौरान फिर मेरा वो रिश्ता फेज़ भी शुरू हो गया. मास्टर्स आपने करना शुरू किया, आपने जॉब छोड़ दी?
मास्टर्स जो है उसमें 6 मंथ के ड्यूरेशन ऐसे आया था कि मैंने फिर जॉब छोड़ दी थी क्योंकि वो मुश्किल हो रहा था हैंडल करना. अदरवाइज़ जो है वो मास्टर्स के साथ इतना मुश्किल नहीं था. जॉब मतलब जॉब करना मैनेज कर रही थी मैं, मतलब एज अ पार्ट टाइम आप कर रहे होते हो ना, मुझे था कि साथ साथ एक्चुअली आपका एक्सपीरियंस भी काउंट होता रहेगा इस चीज़ में. लेकिन 6 मंथ का ऐसा था कि उसमें वो जो सेमेस्टर था उसमें सब्जेक्ट्स काफ़ी टफ थे और टीचर्स भी मतलब ऐसे थे, और वो एज फिर मतलब मैं मैनेज नहीं कर सकी थी. तो फिर मैंने वो वाली जॉब छोड़ दी थी. एंड देन आफ्टर 6 मंथ जब मैंने दोबारा ज्वाइन किया था तो फिर मैंने एक नई कंपनी में ज्वाइन किया था. अच्छा. तो वो फिर ये था कि एक नया एक्सपोजर भी हो गया था. वैसे शुरू शुरू में चेंज को आप थोड़ा सा डर रहे होते हो ना. मतलब हाँ. तो मैं सेट हो गई थी उस कंपनी में, लोगों से एम्प्लॉयज कलीग्स अच्छे थे. तो लेकिन फिर एक चेंज भी आपके लिए ज़रूरी होता है, आपकी लर्निंग के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए. मतलब ठीक है, उससे आगे ना शायद मैं उधर लर्न नहीं कर सकती थी क्योंकि वो एक ही तरह के प्रोजेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं और मैं वही काम कर रही हूँ. तो ऐसा लगता लर्निंग रुक गई है. तो शायद वो वाला ब्रेक इस सेंस में भी अच्छा था कि फिर मैंने स्विच की अपनी जॉब. तो फिर मैंने अपनी नई कंपनी में जॉब स्टार्ट की और फिर उसके बाद मेरे मास्टर्स का थीसिस रहता था अभी, तो फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई. अच्छा. और फिर मैंने अपना थीसिस जो है वो शादी के बाद कंप्लीट किया था. और 2016 में मेरी शादी हुई थी. फिर उसके बाद मैं इस्लामाबाद मूव कर गई और फिर अपनी जो है वो मीटिंग्स के लिए अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ जो सुपरवाइजर थे मेरे, फिर लाहौर आती थी. मास्टर्स चल रहा था. उसके बाद कंप्लीट हुआ था. तो लेकिन शादी के बाद जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि मतलब मेरे हस्बैंड जो हैं वो अल्लाह ने शायद मुझे ऐसे दिए कि उन्होंने पढ़ाई में भी मुझे सपोर्ट किया कि वरना इस्लामाबाद से लाहौर आना से पहले मीटिंग्स अटेंड करने के लिए, फिर आपके वाइवाज हो रहे हैं, आपकी सबमिशंस हो रही हैं और इन चक्करों में वो मेरे चक्कर लगते रहे, और उन्होंने मतलब उस चीज़ में भी मुझे सपोर्ट किया. मतलब फिर उसके बाद हमने प्लान किया क्योंकि फाइन पहले हम पढ़ाई ख़त्म कर लेंगे उसके बाद. लेकिन आपके अब्बू की शर्त थी ना रिश्ते में वो? हाँ, वो शर्त रिश्ते में ये भी थी कि मैं काम करूँगी, मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी. एजुकेशन भी पूरी करेंगी? एजुकेशन ऑब्वियसली, हाँ एजुकेशन कम्प्लीट करूँगी और मतलब वो करूँगी. और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड, उन्होंने इस चीज़ का वो कहा था कि कोई मसला नहीं है हमें इस चीज़ से. तो जैसे मतलब ये चाहेगी वैसे करेगी. हमारी तरफ से कोई अगर ना भी करना चाहे तो हमारी तरफ से कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि जॉब करना ज़रूरी है. जिस तरह कि आजकल लोग ये भी शर्तें रखते हैं कि शायद कि लड़की जॉब करती हो, लड़की ही हो, ये हो, इस तरह के रिश्ते में मैंने, क्योंकि आजकल मैं अपनी बहनों के रिश्ते तो लिटरली बहुत अजीब सी, मैं उससे हटके एक बात करी हूँ, लेकिन इस तरह की शर्तें होती हैं. लेकिन उनका ये था कि उनको कोई मसला नहीं, अगर मैं करना चाहूँ तो करूँ, इट्स टोटली अप टू मी. तो फिर मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया और मैंने इस्लामाबाद में मेरी मतलब मैं शादी हो गई आ गई थी. तो फिर मैंने अपनी यहाँ पे इस तरह से मैनेज किया मैंने कि मैंने पहले ही आके इंटरव्यू दिया हुआ था, यानी जिस दिन मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई तो उससे अगले दिन मेरी जॉब का फर्स्ट डे था. अच्छा, सो यू इंश्योर्ड कि ये ना ओके मैं जब एक दफा वहाँ मूव हो जाऊँ और चली जाऊँ, फिर मैं हाँ फिर मैं ढूंढूंगी कैसे मिलेगी कब और ये वो, और फिर बंदा घरदारी में लग जाए तो फिर चीज़ें ये प्रायोरिटी में होता है. अच्छा मैं अब ये कर लूँ, फिर ये कर लूँ, फिर हो जाएगा. तो इन चक्रों में तो ये अच्छा, था कि आपने पहले से ही जॉब अपनी एक्वायर कर ली यहाँ पे और फिर उसके बाद मतलब मूव्ड में हुई थी. शादी मेरी हो गई थी तो उसके अब फिर थीसिस भी कम्प्लीट हुआ था और फिर उसके बाद इस्लामाबाद में मूव की थी. और क्योंकि मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग इस्लामाबाद तब हुई थी. तो उसके बाद तो आपके इन-लॉज भी थे साथ या नहीं? इन-लॉज मुल्तान में होते हैं. अच्छा, दुनियापुर में होते हैं बेसिकली, मुल्तान के साथ एक तहसील है दुनियापुर, वो अच्छा, 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 अच्छा. तो फिर उसके बाद जो है वो 2016 से 2018 तक मैंने जो है जॉब ही कंटिन्यू की अपनी. और 2018 में फिर वो फेज़ आया कि जिसमें मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम खुद कुछ कर सकती हो, अब तक तुम अपने प्रोजेक्ट्स को खुद हैंडल कर रही हो जो जिस कंपनी में काम करती हो, तो तुम व्हाई डोंट यू मेक योर ओन कंपनी और तुम अपने मतलब तुम्हारा नाम हो उस प्रोजेक्ट पे. तो शुरू शुरू में मैं बहुत हिचकिचाई इस चीज़ में कि नहीं मैं ऐसे कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ, कोई भी चीज़ स्टार्ट करना मुश्किल होता है. लेकिन इस थॉट के पीछे कोई वो तो होगी, वर यू मतलब आपको ये था कि वर यू अनहैप्पी विद बीइंग इन अ जॉब, या आपको कोई चैलेंजेस आ रहे थे कि अच्छा जॉब के साथ मुश्किल लग रहा है? नहीं, मुझे ऐसा कोई चैलेंज, बल्कि शायद जॉब ईजी होती है एज कम्पेयर टू बिजनेस. आई नो दिस. ठीक है, उसमें ये होता है कि ओके फाइन, आपके पास इतना टाइम स्पैन है और आपके पास ये काम है बस ख़त्म. लेकिन
बिजनेस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी होती है जितनी आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है. एग्जैक्टली. उससे आगे पीछे इट्स नॉट योर प्रॉब्लम. एग्जैक्टली. वो आपके मतलब जो हायर अथॉरिटीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जवाब दें इस चीज़ के लिए, हम नहीं है. तो लेकिन मतलब अगर अपना काम कर रहे हो तो एक एक चीज़ को आपने मैनेज भी खुद करना है, कि चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पे है और एक चीज़ का जवाब भी आपने ही देना है, तो वो चीज़ ज़्यादा मुश्किल होती है. लेकिन अल्टीमेटली ये था, उसका रीज़न यही था कि योर हस्बैंड वॉन्टेड के आपका नाम हो और आपका एग्जैक्टली मेरा नाम हो, और हम मतलब कि हम एक ऐसी चीज़ बना दें जो कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे सकें. कि अगर हमारी कंपनी अच्छा सेटअप स्टार्ट हो गया है, अच्छा चलना शुरू हो गई है, ऐसा सा ही ग्रोथ होती है. मैं ये नहीं कहती कि 3 साल में 4 साल में जो है वो बहुत बड़ा नाम हो गया और ये वो, लेकिन मैं ये है कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस. तो अब हम स्टडी मतलब इस चीज़ को चला रहे हैं कि और तो ये था कि हम कुछ ऐसा बना के जाएँ कि ओके फाइन, हम अपने बच्चे को दे सकें कि अब आप इसको चलाओ. ठीक है. और जॉब में मतलब आप सारी जिंदगी जॉब भी करते रहोगे तो वो चीज़ वो मज़ा नहीं होता जो कि आपके अपने काम में है. जो सेटिस्फेक्शन आपको अपने काम में मिलती है वो किसी और का काम करके नहीं मिलती. अल्टीमेटली आप किसी और का ही काम करो, बेशक भी प्रोजेक्ट आप खुद हैंडल करो, लेकिन वो आप किसी और के नाम किसी और का है, टैग किसी और का है. तो और जैसे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि बरकत जो है वो कारोबार में होती है. तो इस सेंस में ये था कि ओके फाइन, चलो एक छोटे स्केल से ही सही, लेकिन लेट्स स्टार्ट. बट इट्स अ बिग, बहुत बड़ा डिसीजन था ये. बहुत बड़ा डिसीजन था. और शुरू में मतलब मुझे था कि मैं नहीं हैंडल कर सकती, मैं कैसे हैंडल करूँगी अकेले. मुझे तो इस तरह मतलब अकेले डील करना ही नहीं आता. मैं तो जब भी क्लाइंट के साथ मीटिंग करने जाती थी, मेरे तो बॉस मेरे साथ होते थे. और ये शुरू में जिस तरह के चैलेंजेस, थोड़े डर जो होता है, झिझक होती है बेसिकली कोई भी नया काम शुरू करने से पहले. लेकिन वो ये था कि उनकी सपोर्ट थी कि नहीं, मुझे पता तुम कर लोगी, मुश्किल होगा, एक दफ़ा मुश्किल होगा, दो दफ़ा मुश्किल होगा, लेकिन तुम कर लोगी, तो लेट्स स्टार्ट. तो फिर हम लोगों ने अप्रैल में, मुझे याद है कि अप्रैल में हम लोगों ने फिर ऑफिस देखना शुरू किए, फिर एक छोटा सा ऑफिस लिया, फिर उसकी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बनानी शुरू की. तो फिर क्लाइंट्स के साथ मीटिंग और अपनी थोड़ी सी मार्केटिंग करना और सब जिस तरह से स्टार्ट किया. और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक छोटे स्केल के प्रोजेक्ट से स्टार्ट करके, और फिर आप जब एक क्लाइंट को बहुत अच्छा डिलीवर करते हो तो बेसिकली वो वर्ड ऑफ माउथ से ही आपके पास और ज़्यादा काम आना शुरू हो जाता है. वर्ड ऑफ माउथ इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग. बिल्कुल. तो लेकिन बस उसके लिए शर्त ये होती है कि आप अपना 100% डिलीवर करो. यस. तो वो अपनी तरफ से मतलब मैंने पूरी कोशिश की और किया भी. सो हाउ डिड यू गेट क्लाइंट्स स्टार्ट में? व्हाट वाज योर वे ऑफ डूइंग दैट? क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप लोगों को कैसे बताओ, ट्रस्ट करवाओ कि यार मुझसे. बिल्कुल ऐसे ही सही कह रही हैं आप. ऐसे था कि शुरू में तो बिल्कुल मैं जाके, ये नहीं है कि दफ्तर बैठ के फारिग बैठ के आ जाना. फिर ऐसे था कि जो मेरा सोशल सर्कल था उसमें मैंने बताना शुरू किया. जो हमारे सीनियर्स हैं, यूनिवर्सिटी का सोशल सर्कल बहुत अच्छा होता है. और यूटीएंस की सबसे अच्छी बात हम ना, मैं आपको बताऊँ, वो एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं, चाहे जानते भी ना हो, बस उन्हें ये पता चलेगा ना कि ये यूटीएन है, तो वो जितनी हेल्प कर सकेगा ना वो करेगा. मेरा तो अब तक का एक्सपीरियंस कम्युनिटी है, वो एक बन गई है. तो वो ये था कि फिर जो हमारा मतलब अपने डिपार्टमेंट के ग्रुप में मैंने थोड़ा सर्कुलेट किया, बताया, मिली अपने डिपार्टमेंट की जो सेशंस की मीटिंग्स मीटअप्स होते थे उनमें जाके थोड़ा सा बताया कि अगर कोई प्रोजेक्ट हो तो प्लीज़ मतलब आप बताइएगा, मैंने अपना सेटअप स्टार्ट किया है, और इस तरह करके अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में सर्कुलेट किया. फिर थोड़ी सी सोशल मीडिया पे जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स जो मैंने किए थे उनकी थोड़ी सी मार्केटिंग और इस तरह के शेयरिंग की. तो जो लेकिन जो मतलब पहला प्रोजेक्ट आया था वो किसी मतलब सीनियर के रेफरेंस से ही आया था. तो इस तरह से फिर एक एक किस पे आप प्रोजेक्ट पे लग जाते हो, बिजी हो जाते हो, तो मुझे था क्योंकि फाइन ये पहला प्रोजेक्ट है, इसका मुझे 100% डिलीवर करना है और इस तरह करके. तो उसके बाद मुझे एक बड़ा जो प्रोजेक्ट मिला था वो मेरे एक जूनियर था, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, मेरी फ्रेंड का भाई था बेसिकली वो. तो वो फिलिप मॉरिस में था. तो उसने जो है वो फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल में हमें प्रोजेक्ट मुझे लेके दिया, और उन्होंने कहा कि शी इज़ अ वुमेन लेड वेंचर और हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए. तो बेसिकली वो एक इंटरनेशनल फर्म है, तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत इनक्रेज किया. और उन्होंने जो है वो अपने उनके ऑफिस के रेनोवेशन का प्रोजेक्ट था, तो उन्होंने अपने ऑफिस के, उनकी फैक्ट्री मर्दान में थी और साहिवाल में थी,
तो मर्दान और साहिवाल दोनों के प्रोजेक्ट उन्होंने, मतलब रेनोवेशन के प्रोजेक्ट उन्होंने मुझे दिए। तो आपका एक कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट आया बिल्कुल, और वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था और वो बहुत चैलेंजिंग भी था क्योंकि वो एक इंटरनेशनल फर्म थी, उनके बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड्स थे कि उन्होंने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी रखे हुए हैं हर चीज़ के और वो पूरे करने हैं, और हमारे यहाँ इस तरह काम नहीं होता जिस तरह वो लोग काम करवाते हैं। तो वो बहुत मज़े की भी चीज़ थी, मैंने बहुत कुछ लर्न किया, लेकिन उस टाइम पर मेरे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। पहले उनके मर्दान फेज़ वन मर्दान के ऑफिसेस थे एंड फेज़ टू में साहिवाल के ऑफिसेस थे, और मर्दान आपको पता है केपीए में है, वहाँ पे जो है यहाँ से लेबर लेके जाना मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि वो प्रोजेक्ट ऐसा था कि पहले मैंने डिज़ाइन उनको अप्रूव कराए, फिर उन्होंने कहा ओके फाइन हमें आपके डिज़ाइन पसंद हैं, हमें ऐसे डिज़ाइन बना के भी दो एज इट इज़, मतलब अगर मैंने कहा है कि मैंने ये वाला वॉलपेपर लगाया है तो हमें यही वाला वॉलपेपर चाहिए, अच्छा ये टाइल लगाई है तो यही वाली टाइल चाहिए, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इसको कम्प्लीट एग्जीक्यूट करवा के दो। ओके सो जनरली सॉरी टू इंटरप्ट, जी हाँ जी, आपकी जो कंपनी की सर्विसेज हैं उसमें डिज़ाइन तक आता है नहीं, या एग्जीक्यूशन भी, लेकिन एग्जीक्यूशन सिर्फ इंटीरियर की है। ठीक है, इंटीरियर की एग्जीक्यूशन है क्योंकि कंस्ट्रक्शन नहीं, कंस्ट्रक्शन नहीं, वो थोड़ा sense. मतलब मेरे लिए मुझे लगता है मुश्किल हो जाएगा, वो एक अलग है कंस्ट्रक्शन कंपनी exactly, और मुझे लगता है कि इंसान को उतना करना चाहिए जितना वो अच्छे से मैनेज कर सके तो मैं हर चीज़ में टांग अड़ाना चाहिए, फाइन मैं ये भी कर लूँगी ये भी कर लूँगी और फिर कुछ भी अच्छे से ना हो सके। तो एग्जीक्यूशन इंटीरियर की जो है वो मैंने अपनी जॉब के दौरान भी मैनेज की हुई थी, लेकिन इंडिपेंडेंटली खुद अकेले मैनेज करना वो चैलेंज था। फिर ये था कि मुझे मर्दान जाके मैनेज करना था, फिर मतलब उसके लिए भी मेरे हस्बैंड की सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी कि मैंने वहाँ जाना है, वहाँ पे मैनेज करनी है, लेबर मैनेज करनी है, मतलब उनको इस चीज़ से मसला नहीं होता कि मेरी मेन डीलिंग ज़्यादा है क्योंकि लेबर से मुझे वो करना होता है, फील्ड वर्क और लेबर से काम कराना। अगर मतलब देखा जाए तो बहुत से लोगों को अल्टीमेटली इशू होना शुरू हो जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि शी इज़ द बॉस, मैं बॉस हूँ और मेरी कानूनियत ऐसी है कि मुझे ये ऐसे करना है। तो और फिर उन्होंने इस चीज़ में मतलब कि कई दफ़ा तो ऐसे होता था कि मेरे विजिट के लिए वो फिर अपने ऑफिस के बाद मुझे लेके स्पेशल खुद जाते थे कि अगर कोई ड्राइवर नहीं कभी पहुँच सका या कुछ और मसला हो गया तो, और कहीं मुझे बहुत सी चीज़ों पर मुझे जो मैन फोर्स रिक्वायर्ड थी उसमें उन्होंने मुझे हेल्प आउट बहुत किया कि नहीं मतलब किसी तरीके से मैनेज करना और सब कुछ, हालांकि उनकी फील टोटली डिफरेंट है। तो लेकिन फिर उसके बाद मुझे मर्दान में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए, वो ये कि वहाँ पे टोटली पख्तून लोग थे, वो पश्तो बोलते थे, मुझे उन्हें अगर वहाँ की लेबर थी तो मुझे उन्हें समझाना नहीं आता था। फिर एक सुपरवाइज़र मैंने ऐसा रखा जिसको उर्दू आती थी और पश्तो भी आती थी, और फिर मैं उससे कहती थी कि मुझे ये चीज़ चाहिए और फिर वो लेबर को एक्सप्लेन करता था कि ऐसे बनानी है। और दूसरा ये था कि उनका कॉन्फ्रेंस रूम था और उनकी कोई अक्टूबर में कॉन्फ्रेंस आ रही थी, उन्होंने कहा हमें डेडलाइन है, हमें अक्टूबर से पहले जो है कम्प्लीट चाहिए, हैंड ओवर करें हमें। तो वो टाइमलाइन भी बहुत आ गई। फिर उसके बाद उनके ये थे कि जी आपके लेबर ने सेफ्टी किट पहनी होनी चाहिए, ग्लव्स हों, हेलमेट हो, पूरा जो ड्रेस होता है उनका सेफ्टी का वो हो। हमारी लेबर पहनती नहीं थी, वो ग्लव्स पहन के एक दफ़ा ठोक के फिर उतार के फेंक देते थे, फिर उनका सेफ्टी ऑफिसर आके काम रोक देता था कि इसने जी ग्लव्स उतारे हुए हैं। अच्छा सो मच, तो सो मेनी एसओपीज़, बहुत उनकी एसओपीज़ बहुत ज़्यादा थी, उनके स्टैंडर्ड्स को मीट करना बहुत मुश्किल था। मुश्किल ना होता क्योंकि अगर हमारी लेबर को आदत होती, इवन कि अब जो हमने ड्रिल मशीन यूज़ करनी है तो उसके भी उनके स्टैंडर्ड्स थे कि उसका स्विच इस तरह का होना चाहिए, उसकी वायर जो है वो प्रॉपर वो एक्सपोज्ड वायर ना हो। आपको पता है अगर आपने भी घर में काम करा होगा वो ऐसे बिल्कुल खुली तारें होती हैं उनकी मशीनरों की, वो मशीनें अंदर ही नहीं आने देते थे अपनी फैक्ट्री की परमिशन। अच्छा मतलब वो माइक्रो मैनेज कर रहे थे वो उनके प्रॉपर उनके उनके सेफ्टी ऑफिसर्स हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने चेक करना है चेक इन, और अगर नहीं होगा तो वो वहीं पर काम रोक देंगे, वो आगे आपको काम नहीं देंगे जब तक आप ये चीज़ें क्लियर करके एक्सप्लेन नहीं करोगे। फिर वो उन मजदूरों को समझाना कि नहीं ये पहन के ही तुमने करना है, और वो ना तस्वीरें बना रहे होते थे कि हम पता नहीं क्या एलियन लग रहे हैं लिटरली मुझे हंसी आ रही होती थी, और लिटरली तस्वीरें बना रहे होते थे कि हमने क्या पहना हुआ, हम ये पहन के काम कर रहे हैं। तो उस वजह से भी ना काम में डिले आ रहा था, उधर से टाइमलाइन भी मीट करनी थी। मुझे पता है कि रात 11, 12 बजे तक ना मैं साइट पे होती थी कि मैंने ये चीज़ जो है वो यू हैव टू सी इट थ्रू के लेवल काम रुके ना हो, और काम रुक जाएगा तो कौन उस चीज़ को देखेगा ना, क्योंकि जो सुपरवाइजर था वो मैनेजमेंट से बात नहीं कर सकता था, मैनेजमेंट से बात तो मुझे खुद करनी होती थी।
तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मतलब थे वो, लेकिन वो प्रोजेक्ट जब मैंने ऑन टाइम डिलीवर किया और एज़ पर 3D मतलब जो उनको दिखाया था वैसे ही डिलीवर किया, तो मतलब उसके बाद उन्होंने फेज़ टू में मुझे फ़ौरन ही साहिवाल का प्रोजेक्ट दे दिया एंड देन फिर मैं साहिवाल गई। व्हाट अ बिग विन फॉर यू बाय द वे, यू मस्ट बी सो प्राउड ऑफ योरसेल्फ। बहुत मतलब अभी मेरी लास्ट मैंने जैसा बताया उन्होंने अक्टूबर में डिलीवर किया था, तो मेरी जो है वो 2018 की मेमोरीज में वो आ रहा था ना कि मैंने ये डिलीवर किया था, मैंने उस दिन की वो पिक्चर्स लगाई हुई थी कि मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। और फिर उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड जो है हम अच्छा सा डिनर करने गए तो वो सारी वो पिक्चर्स बल्कि अभी अक्टूबर की मेमोरीज में भी आ रहा था, तो मैं उसको याद कर रही थी कि हाँ ये भी मतलब वो टाइम था। और उससे ना फिर आपको और मोटिवेशन मिलती है, जब मैंने वो कंप्लीट कर लिया ना तो मैंने कहा कि मैंने इस तरह का कर लिया ना तो मैं फिर मतलब ईजी भी कर सकती हूँ, इसमें तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे। यू हैड टू डू वेरी टफ थिंग, ये कर लिए तो फिर तो आम जो इतने SOPs भी नहीं होते जगहों के, किसी भी कोई भी अगर एग्जीक्यूशन भी करानी हो तो इनकी तो SOPs के साथ जब मैंने कर लिया तो मैं फिर वो भी कर सकती हूँ। तो फिर खैर मैंने साहिवाल वाला भी हैंडल किया, और साहिवाल वाले में तो मेरे फादर मेरे साथ होते थे क्योंकि मतलब इस्लामाबाद से मर्दान तो मैनेज करना इजी था लेकिन साहिवाल बहुत दूर है, तो वो लाहौर से फिर मेरे फादर के साथ मतलब मेरा आना जाना और वहाँ पर उनका रुकना और वो सब उस प्रोजेक्ट में मेरे अब्बू ने मेरे साथ हैंडल किया था, तो वो भी अल्लाह का शुक्र है हमने बहुत अच्छा डिलीवर किया। फिर उसके बाद मैंने एक्सपेक्ट करना स्टार्ट किया, तो फिर उसके बाद मैंने एग्जीक्यूशन के प्रोजेक्ट नहीं किया था, मैंने सिर्फ डिज़ाइन को लिमिट कर लिया अपने। अच्छा, आई वांट टू आस्क यू कि इस पॉइंट पे जो आपकी कंपनी है आपके पास एम्प्लॉइज थे? नहीं मतलब एम्प्लॉयज इस तरह से थे कि मैं डिज़ाइन मैं खुद करती थी और बाकी टीम में जो है वो मैंने सुपरवाइज़र मेरे पास थे, और लेकिन बाकी सारी टीम जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर्स की टीम होती है वो उन अलाइन थी, वो ऑब्वियसली मेरे एम्प्लॉयर नहीं होते, आउटसोर्स। हाँ एक्जैक्टली, एक्सटर्नल टीम होती है, प्रोजेक्ट आते हैं तो आप उनको बताते हो। हाँ तो मतलब वो सारे वेंडर्स होते हैं। एक्जैक्टली वेंडर्स, तो वो सारे वेंडर्स जो हैं वो मेरे पास थे। तो आपकी टीम में कौन था? कोई भी नहीं था। डिज़ाइन में मैं खुद हैंडल करती थी क्योंकि उस टाइम पे प्रोजेक्ट खुद ही करूँगी, और उसके बाद एक साइट सुपरवाइजर था और एक ऑफिस बॉय था, सो यू वर 3 पीपल। और उसमें यह था कि उस टाइम पे तो ऐसे था कि अभी ऑब्वियसली कंपनी का स्टार्ट होता है, आप इतने ज्यादा हायरिंग भी नहीं कर सकते हो, आपने हर चीज को एक मैनेज करके चलना होता है ना, और मैनेज भी करना तो है, और ये भी नहीं पता क्योंकि फाइन हमारा ये होता है कि कंसिस्टेंसी भी नहीं है कि ओके अच्छा मुझे प्रोजेक्ट मिल गया, मैं 6 महीने के लिए बहुत बिजी हूँ, लेकिन अगर मुझे अगले 2 महीने और प्रोजेक्ट आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, बिल्कुल ठीक है, तो एक कंसिस्टेंसी भी नहीं होती, तो इस वजह से भी आप हर चीज को सोच के थोड़ा सा प्लान आउट करना होता है। तो स्टार्ट में ये था कि ओके फाइन मैं अपने ऊपर वर्कलोड थोड़ा सा ले लूंगी और ले भी सकती थी, तो लेकिन वैसे भी आपने कोई भी कंपनी कुछ भी करना हो ना स्टार्ट में सारा काम आपको खुद ही करना होता है, अगर आप खुद नहीं करोगे तो इफ इट्स योर थिंग यू हैव टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, बिल्कुल ऐसे वो एक इवेंचुअली एक पॉइंट आता है जिसमें फिर आप लोगों को हायर करते हो और उनको सिखाते हो और अपने हिसाब से ट्रेन करते हो, बिल्कुल लाइक एवरीथिंग लाइक फ्रॉम स्क्रैच आपको हर चीज पहले खुद करनी होगी टू बिल्ड दैट फाउंडेशन ऑफ योर ऐसे ही है कंपनी, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ तो वो फिर इसी तरह से था कि शुरू में से चीज़ें खुद ही हैंडल की बस। तो फिर जो आप देन यू सेड दैट यू कंसीव्ड देन, सो हाउ डिड यू सॉर्ट ऑफ मेक दैट डिसीजन? आई एम आस्किंग दैट क्योंकि जब आपकी कंपनी चल रही हो और वो तो बंदे को होता है कि यार अब मैं इस टाइम पे लाइक इफ आई गेट प्रेगनेंट सो हाउ विल आई मैनेज, और व्हेन यू गॉट प्रेगनेंट तो आपके जहन में लाइक ये फियर्स थे कि हम ना मतलब मैं ठीक है मैं कैरियर ओरिएंटेड हूँ लेकिन मैं इस तरह से क्रेजी नहीं हूँ कि ठीक है ओके फाइन सिर्फ मेरा कैरियर ही है, क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ मैटर करती है कि फैमिली बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और मतलब आपको फैमिली एक्सटेंड करनी है किसी ना किसी पॉइंट पे तो करनी है, एग्जैक्टली, एंड यू आर गेटिंग ओल्ड और आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा ही होनी है। आई हैव PCOs, तो मुझे भी ये भी था कि ओके फाइन जैसे जैसे एज ज़्यादा होगी और ज़्यादा इश्यूज आएंगे, तो इसलिए इस चीज़ को भी साथ प्लान करना है। और इससे पहले 2017 में भी बिफोर स्टार्ट ऑफ अक्स डिज़ाइन स्टूडियो मैंने कंसीव किया था, तो मेरा मिसकैरेज हो गया था। तो उसके बाद आप ये भी ऐसे भी कह सकती हैं कि मुझे अब मैं इस चीज़ में बहुत बिजी हो गई, तो शायद उस डिप्रेशन से निकलने में भी मुझे थोड़ा हेल्प आउट हुआ। तो उसके बाद फिर ये था कि ओके फाइन अब इस चीज़ को 2 साल गुजर चुके हैं, आई हैव टू नाउ इट्स टाइम मूव के मुझे
अप करना, मतलब हमें प्लान करना चाहिए. तो फिर हम लोगों ने इस चीज़ को इस तरह से लिया था कि करियर तो साथ साथ चलता रहेगा, एक स्लो पेस पे ही सही, क्योंकि रुकूंगी तो नहीं. मतलब मैंने कहा ना, मैं उतना काम को करती हूँ कि जितना मैं खुद मैनेज कर सकूँ. मैं अगर मेरे पास 3 projects आए और मैं 3 projects हैंडल इस टाइम नहीं कर सकती, तो मैं तो एक्सक्यूज करके कोई एक कर लूंगी. एंड आई थिंक अपना काम करने का ये फायदा भी है बिकॉज यू गेट टू डिसाइड कि मैंने कितना करना है और किस तरह से मैनेज करना है. तो फिर वो उस टाइम पे हम लोगों ने ये डिसीजन लिया. ऑब्वियसली पार्टनर से मिलके ही डिसीजन लेना होता है कि क्योंकि ये कि हम अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ देखें और कॉम्प्लेक्सिटीज भी आगे ना आए और हर तरह की चीज़. तो हम लोगों ने उस टाइम पे ये डिसीजन लिया. और फिर साथ सिर्फ मैंने फिर डिज़ाइन के प्रोजेक्ट्स तक अपने आप को लिमिट कर लिया, क्योंकि फाइन मैं डिज़ाइन तक रहूँगी. फिर स्टार्ट में जो थोड़ा सा फेज़ आता है वॉमिटिंग और ये वो, तब मैं ऑफिस भी नहीं जा सकती थी. तो ये था क्योंकि मैं घर में ही अपना सेटअप सिस्टम घर में रख लिया, और कोई मीटिंग के लिए होता था तो ऑफिस चली जाती थी, अदरवाइज मैं घर में होती थी. तो वो क्योंकि डिज़ाइन ही करना है, वही मैंने आप जिस तरह पहले बात की थी कि स्किल्स हैं आपके पास, मैं आराम से घर में बैठ के डिज़ाइन को मैनेज कर रही थी. तो उस तरह ये होता था कि थोड़ा सा मैंने अपने आप को बिजी भी रखा हुआ था कि थोड़ी तबीयत में अगर आप बिजी रहो तो आपको इतना फील नहीं होता कि अभी तबीयत खराब. बिल्कुल, आई एग्री विद यू सो मच. आपके पास काम हो ना करने को, तो आपका एक्चुअली प्रेगनेंसी बेहतर गुजरती है. मतलब लोग इस तरह कहते हैं कि यार प्रेगनेंट हो छोड़ दो काम, बस रेस्ट करो. लेकिन आप जितना रेस्ट करते हो उतना मिजरी में होते हो, बिकॉज यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट हाउ सिक यू आर फीलिंग. एग्जैक्टली, तो हर चीज को फील हो रहा है. अच्छा, अब हार्ट बीट तेज हो गई है, अब हार्ट बीट लो हो गई है, अब बीपी लो हो रहा है, अब नौजिया हो रहा है, अब थोड़ा बेहतर हो गया, अब सर में दर्द हो रहा है, अब नींद बहुत आ रही है. ये होता है कि हाँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नींद बहुत आती है, काम नहीं होता, आप थोड़ी देर में देखते आप सो गए थे. लेकिन उसका ये था ना, क्योंकि फायदा मुझे नींद आ रही है, मैं सो गई हूँ, फिर जब मैं उठी हूँ तो मैं तब काम कर लूंगी. क्योंकि मेरे पास कोई टाइम वो तो था नहीं कि मैंने इस ड्यूरेशन में ही काम करना और मैंने इस ड्यूरेशन में सोना है. मैं अपना काम कर रही हूँ, ओके फाइन, मैं रात को जाग के कर लूंगी, जब मैं इजी हूँ मैं कर लूंगी. तो ये एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है आपके अपने काम का भी. बेशक मतलब आपको उस टाइम पे मतलब आपकी सैलरी बहुत अच्छी है और अब आपको उस तरह से पे बैक नहीं आ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आप बेहतर की तरफ ही जा रहे हो. ग्रोथ स्लो भी है तो क्या, एटलीस्ट इट्स गोइंग, बिल्कुल ऐसे ही है. सो आई वॉन्ट टू आस्क यू एट दिस पॉइंट, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन और लड़कियां जो हैं वो सुन रही हैं ये. मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं इस तरह की जो उनकी शादियां हुई हुई हैं, उनके करियर्स भी चल रहे हैं और करियर्स चल भी रहे हैं, फिर उनके कुछ अभी एम्बिशंस भी हैं कि फॉर एग्जांपल अभी मास्टर्स भी करना है. अच्छा. या अभी मैंने इवेंचुअली अपना भी काम स्टार्ट करना है, लेकिन अभी जॉब कर रहे हैं, जॉब कर रही हैं. लेकिन अब बड़े भी होते जा रहे हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं, यू नो. सो लाइक एंड एवरीबडी, लाइक मोस्ट पीपल डू वांट किड्स, राइट? उनको होता है कि बच्चे भी तो करने हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. सो आई एम नॉट सेइंग कि आपको लाइक यू वुड नो द राइट आंसर टू दिस, बट व्हाट इज़ योर सॉर्ट ऑफ ओपिनियन ऑन दिस, कि जब डू यू थिंक कि एक इंसान के एक स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए कि मैंने जब ये चीज़ अचीव कर ली तो देन आई एम गोइंग टू हैव अ चाइल्ड, या व्हाट वुड यू से कि एक थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए फॉर अ डिसीजन लाइक दिस, स्पेशली सिंस यू नो जब आप अपना काम भी कर रहे हो और आपने ये सब किया है और आपका बच्चा भी हो गया है, तो यू नो, बिकॉज उन लोगों को पता ही नहीं होता व्हाट टू एक्सपेक्ट एग्जैक्टली के मदरहुड के बाद, कि वो ये सारी चीज़ें कर भी सकते हैं कैसे नहीं कर सकते, मैनेज करना. बट फ्रॉम समबडी हु हैज़ डन दैट, व्हाट वुड यू से कि क्या मतलब हम ना, अगर मैं अपनी ओपिनियन बताऊँ ना, जैसे मैंने मतलब पहले जब मैंने 2017 में कंसीव किया था, उस टाइम मैं जॉब करी थी और मेरा ऐसे कोई इरादा भी नहीं था कि मैंने कोई अपनी कंपनी को स्टार्ट करना है और ये वो. मतलब मैं उसी पेस पे चल रही थी कि फाइन जॉब करी हूँ, जॉब के साथ कंसीव कर लिया, बच्चा हो गया, एंड देन इस तरह की चीज़ें. तो लेकिन मुझे लगता है कि मेरा पॉइंट है, बहुत से लोग इससे मे बी डिसएग्री भी करें, लेकिन मेरे लिए फैमिली मैं जो है वो प्रायोरिटी है. उसकी वजह यह है कि मुझे लगता है कि जैसे अभी हमारी एज जो है एवरेज एज इतनी कम होती जा रही है, ठीक है, हम अगर ठीक है हम 35 साल के होके 40 साल के होके हम बच्चा कर रहे हैं और उसके बाद हमें नहीं पता कि हमने कितना टाइम रहना है. हम अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ तो देखिए, हम अपने बच्चों की ग्रोथ देखिए, उनको
मतलब उनकी जो तरबियत का टाइम है वो सब उनके साथ गुजारें, उनकी चीज़ों को इंजॉय करें. और हम इस रेस तो चलती रहनी है, रेस नहीं रुकेगी. अब जैसे मैंने ये अचीव कर ली है तो अब ये नहीं है कि मैं इस तक रिलाई कर रही हूँ, अब जो है हम मे बी कुछ और भी साथ स्टार्ट कर रहे हो, चीज़ें ऐड ऑन कर रहे हो, क्योंकि फाइन अब हम एग्जीक्यूशन पे आ गए हैं, अब हम डिफरेंट वेंडर्स के साथ कॉन्टेक्ट में हैं कि हम एक वन विंडो सोल्यूशन दें कि आएँ तो उनके पास मे बी प्रोडक्ट्स भी मैं कुछ अपने पास रखूँ. मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह चीज़ रुकती तो कहीं भी नहीं है कि मैं इस तक अपने आप को महदूद रखूँ. तो उसमें मैंने मतलब ये नहीं है कि मैंने बच्चे होगा फिर मैं इस स्टेप पे आके मैं बच्चा मतलब प्लान करूँगी एंड देन फिर उसके बाद नेक्स्ट होगा. तो ये है कि मेरे लिए ये था कि फैमिली पहले है और उसके बाद सारी चीज़ें जैसे जैसे होती रहेंगी वो साथ साथ होती रहेंगी. और जिस लेवल तक मैं मैनेज कर सकूँगी मैं उस लेवल तक करूँगी. मतलब मैंने जिस पहले कहा बेशक मैं कैरियर ओरिएंटेड हूँ लेकिन मैं क्रेज़ी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो कैरियर के लिए इतना क्रेज़ी होते हैं क्योंकि फैमिली बहुत पीछे रह जाती है. तो ऐसे मतलब मुझे लगता है कि एट द एंड ना उम्र के किसी हिस्से में आके उनको रिग्रेट ज़रूर होता होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जो मतलब असासा है वो आपकी औलाद है. ठीक है, और आप जो भी कर रहे हो जब अपनी औलाद के लिए कर रहे हो तो वो आप उनको टाइम ही नहीं दे पा रहे या उनके लिए तो मतलब आई थिंक क्या आई थिंक लोगों की हर किसी की अपनी प्रायोरिटी होती है. एक्जेक्टली, फॉर सम पीपल लोग मुझसे डिसएग्री भी करेंगे लेकिन मैं आपको अपनी ओपिनियन बता रही थी कि मेरी ओपिनियन है, मेरी ओपिनियन बिकॉज आई वांट टू पुट मल्टीपल ओपिनियंस आउट देयर कि कुछ लोग इस तरह भी करते हैं कुछ लोग इस तरह भी करते हैं और उनकी उसके पीछे क्या सोच होती है. एंड आई थिंक फॉर वुमेन इट्स एन इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन कि किस तरह वो ये एक डिसीजन ले, क्योंकि ये भी होता है ना बहुत सारी औरतों का ये फियर भी होता है कि हम जो हैं अच्छा मेरा करियर है मेरा वो है, बट जब एक दफ़ा बच्चा हो जाएगा तो दे डोंट हैव एन आइडिया ऑफ हाउ मच सपोर्ट देर एक्चुअली गोइंग टू गेट फ्रॉम फैमिली एंड पीपल. उनको फिर छोड़ फियर्स है ना ये सोसाइटी में लाइक औरतों के फियर्स हैं एंड अ लॉट ऑफ वुमेन आई थिंक वो इन फियर्स के बेसिस पर ही डिसीजंस उनके होते हैं. बिल्कुल अच्छा ही है. आगे पता नहीं हम मैं कितना कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी एंड दिस इज सो इम्पोर्टेंट. लेकिन जब हम मतलब एक अपने हस्बैंड के साथ रह रहे होते हैं अपने इन लॉज का भी आपको आइडिया हो जाता है इतने साल जब आप गुजार लेते हैं उनके साथ कि उनकी नेचर क्या है उनकी सोच क्या है या वो अपनी बाकी बच्चों को कितना सपोर्ट कर रहे हैं. तो ये भी मैटर करता है. मतलब मेरी सिस्टर इन लॉज भी सारी वर्किंग है तो इसका मतलब ये है कि मेरे फादर इन लॉ भी बहुत सपोर्टिव रहे हैं इस मामले में. तो और उन्होंने अपने बच्चों को भी इस चीज़ में मतलब वो सोच उनकी भी बैकवर्ड नहीं है कि नहीं भी बहू आई है तो वो घर के काम ही करेगी. तो ये चीज़ें आप खुद शायद जज कर लेते हो कि हाँ आपको कितनी सपोर्ट मिल सकती है और फिर आप उसके बाद डिसीजंस लेते हो. ओके, बट बीइंग अ मॉम एंड वर्किंग साथ साथ आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आपको क्या चैलेंजेस उसमें फेस आए, बिकॉज वी नो इट्स नॉट इजी, वी ऑल नो दैट इट्स वेरी हार्ड. बच्चों को ही करना इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू डू इन द वर्ल्ड. बिल्कुल. सो हाउ वाज दैट फॉर यू? मतलब मुझे ऐसे था कि मैंने अपने बेटे की रूटीन को मुझसे चेंज करना पड़ा. मतलब ये नहीं है कि मेरा बेटा 8 बजे सो जाता है, मेरा बेटा रात को 2 बजे सोता था. मैं इसलिए उसको लेट तक सुलाती थी ताकि अगले दिन जब मुझे सुबह उसको ऑफिस जाना है तो मैं वो मेरे साथ ऑफिस जाता था तो मैं उसको साथ ऑफिस लेके जाऊँ और वो सोया रहे और वो ऑफिस के जो मेरे आवर्स हैं उसमें वो मैक्सिमम आवर्स सोया रहे ताकि मैं अपनी मैक्सिमम उन चीज़ों में अपने कामों को या अपनी मीटिंग्स को हैंडल कर लूँ और फिर उसके बाद जब उसके उठने का टाइम हो और फिर सुबह उठ के उसके नाश्ता लंच और वो सारे बॉक्सेस में साथ रेडी करके लेके जाती थी. उसका ऑफिस में कॉर्नर सेट किया हुआ था जहाँ पे उसने सोना है जहाँ पे उसने खेलना है वो अलग से एक चीज़ थी. तो वो इन चीज़ों को हैंडल करना मतलब मेरे काम में ये एडिशन हो चुका हुआ था कि मैंने इस चीज़ को देख के फिर करना है. तो वो फिर अब जैसे मैंने एक छोटी सी एग्जाम्पल दी कि मैंने अपने बेटे की रूटीन को ही इस तरह से चेंज कर दिया, मॉडिफाई बेसिकली किया ना ताकि मैं काम को मतलब मैक्सिमम किस तरह से टाइम दे सकती हूं. साथ लेकर जानी है तो आपने उनको देखना एक ही उसमें है और फिगर आउट करना है कि आप इस चीज़ को कैसे बैलेंस कर सकती हो. अब ऐसे है कि बेशक मैं मतलब काम में रात को भी कर सकती थी, डिज़ाइन में रात को भी कर सकती हूँ कि फाइन मैं रात को सोए मैं डिज़ाइन कर लूँ, बट अक्सर जैसे क्लाइंट से मीटिंग है आपकी विंटर से इंटरेक्शन है वो तो आपके ऑफिस आवर्स में ही होती हैं चीज़ें. तो फिर इस लिहाज से मुझे ऑफिस आवर्स में ही आना है और फिर प्रॉपर प्रोफेशनल अगर मुझे होना है तो मुझे इस चीज़ को माइंड में रखना है. तो इस लिहाज से बहुत मुश्किल था. मॉम गिल्ट बहुत ज़्यादा होता है
वो तो रोज रात को होता था और जब मैं देखना कि अच्छा हर बच्चा ये जो टाइम पे सो जाते हैं वो टाइम पे उठ जाते हैं, फिर उन फिर मुझे किसी ने कहना इस तरह तो ग्रोथ इफेक्ट हो जाती है और ये वो इस तरह की चीजें भी होती थी, लेकिन ये है कि मैं इस चीज को इंश्योर करती थी कि वो एक ही स्ट्रेच में कितना सो रहा है और उसके मतलब उसके नैप टाइम्स को, बेशक उसके वो टाइमिंग्स चेंज हो गई थी लेकिन मैं ये इंश्योर करती थी कि वो सही है, सही मतलब अगर वो 2 बजे सो भी रहा है तो वो पूरा आवर्स ले रहा है, 10 घंटे की नींद पूरी करके उठे इस तरह से, तो ये चीजें मैंने इंश्योर की हैं। लेकिन ऑब्वियसली मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया, लेकिन फिर लोग जो हैं वो ये बेसिकली रुकावटें शायद होती हैं, आपको डिस्करेज कर रहे होते हैं, इर्द गिर्द के बहुत से नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, आपको फील तो होता है बिकॉज आपको यही फील होता है कि शायद लाइक मैं अपने आप को और अपने काम को प्रायोरिटी दे रही हूं और बच्चे की ग्रोथ, बट आई डू फील के देर इज नो परफेक्ट फॉर्मूला फॉर बीइंग अ पेरेंट एंड पेरेंटिंग, और आपको बस आपको वॉट एवर वर्क फॉर यू वही करना पड़ता है आपको। हम ना ऐसे ही, मैंने और मेरे हस्बैंड ने ना बहुत पेरेंटिंग की बुक्स भी पढ़ी, वीडियोज भी देखी और अल्टीमेटली हमने यही डिसाइड किया कि हर बंदे का अपना फॉर्मूला है, हर बंदा हर बच्चा डिफरेंट है, हर पेरेंट्स की रूटीन्स डिफरेंट हैं, मतलब तो उनका लाइफ स्टाइल डिफरेंट है, हर एक अपने लिहाज से रह रहा होता है, तो इसलिए अपने लिहाज से ही हर बंदा ठीक है। हमने देख लिया कि ये कैसे पेरेंटिंग कर रहे हैं, इनके क्या मतलब वो चीज़ें होती हैं, ये क्या पॉइंट्स इनके हैं कि ये होने चाहिए, लेकिन हमने खुद अपने जहन से अपने बच्चे को पालना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इस तरह से था कि फिर मॉडिफाई उसकी रूटीन की और फिर चैलेंजेस आते थे और बीच में मतलब कभी ऐसे है कि मुझे मीटिंग के लिए जाना है तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड इस तरह से प्लान करते थे कि उस टाइम पे वो अवेलेबल हों कि मैं मीटिंग अटेंड कर लूँ, क्योंकि हस्बैंड दैट इज अमेजिंग, ये सही टीम वर्क की एग्जांपल है कि आप मिल के उस चीज़ को मैनेज करो, एक के ऊपर सारा बोझ इस तरह नहीं है और वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करते हैं कि मतलब ऑब्वियसली जब उन्होंने मोटिवेट किया कि तुम स्टार्ट करो, सपोर्ट है, और फिर उसके बाद अभी वो अगर वो सपोर्ट चलती नहीं रहेगी तो मैं कोलैप्स कर जाऊंगी। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है, आई थिंक माशाल्लाह यू हैव एन अमेजिंग हस्बैंड, लाइक ही हेल्प्ड यू विद योर लाइक बिल्डिंग योर बिजनेस एंड एवरीथिंग and then after the child like he made sure that you are able to sustain that as well, exactly ye nahi ki acha ha okay fine bas theek hai ab bacche ko time do ha nahi bahut acha ha i think so, like aisi soch he should be appreciated for bilkul aise hi hai ha aur hona chahiye like baakiyon ko bhi aise hona chahiye aise hi hai kyunki zahir hai matlab jab aulad ho jati hai na to zahir hai aapki priority aulad ho jati hai, zahir hai ki unka beta hai to wo matlab baby hai to wo unke liye priority hai, lekin ki agar wo effect ho raha hai wo is cheez को देख रहे हैं, लेकिन वो फिर इस चीज़ को भी साथ लेके चल रहे हैं ना, क्योंकि फाइन ये भी चीज़ साथ चलनी है, तो इट्स ओके हम इसको मिलके इस तरह भी मैनेज कर सकते हैं। हाँ और बच्चों का होता है कि चिल्ड्रन आर वेरी अडेप्टेबल, बिल्कुल ऐसे ही है, वो बहुत फ्लेक्सिबल है, हम जिस तरह से उनको करना चाहिए ना मोल्ड वो हो जाते हैं, उनकी रूटीन भी और सब कुछ, तो वो अल्लाह का शुक्र है कि वो मतलब अच्छा सा मैनेज होता है। बट इट मस्ट बी डिफिकल्ट स्टिल, जाहिर सी बात है, मतलब आसान तो नहीं है अपने बच्चे को अपने साथ काम पे लेके जाना, मतलब मेरा बेटा वो सब कहते थे कि बच्चे पहले स्कूल जाते हैं और इसका जब उसने बोलना शुरू किया तो वो अपनी नानों को कहते थे नानू मैं ऑफिस जा रहा हूँ, क्यूट। तो उसकी नाना कहती थी बेटा बच्चे तो स्कूल जाते हैं तो पहले ही ऑफिस जा तो लेकिन यह कि उसकी लर्निंग बहुत हुई, मतलब ना उसने बहुत सी मतलब वो भी बात है कि वो अडेप्टेबल होते हैं, उसने लर्न कर लिया कि ओके फाइन अब मम्मा की मीटिंग हो रही है तो मैंने ना अब अपने टॉयज में बिजी हो जाना रही है वो, तो शायद इस तरह से भी ये बेहतर था कि इस तरह से बच्चा वो खुद ही मतलब उसकी लर्निंग हो गई ना, मुझे उसको ट्रेन नहीं करना पड़ा कि नहीं अब ये टाइम है तो अब इसको इस तरह से ट्रेनिंग मुझकी ज़रूरत है, वो खुद ही शुरू से जब इस माहौल में रहा उसने जो चीज़ें देखी हैं तो उसने उसको ही अडाप्ट किया। तो आफ्टर जब वो 2 साल का हो गया तो उसके बाद मतलब मुझे लगा कि नहीं ही नीड सिबलिंग, वो बहुत अकेला और उसकी जो नेचर में जो चेंजेस आ रही थी। 2 साल ऑफ मदरहुड आपको कैसे लगे? बहुत मज़े के, हर छोटी से छोटी चीज़ को मैंने बहुत इन्जॉय भी किया है, मतलब शुरू में तो ऐसे था कि मैं वही कि अपने हर मंथ की जब हर उसकी बर्थडे को मैं प्रॉपर शूट करना और सबको पिक्चर्स को कलेक्ट करना और
हर चीज़ को साथ साथ लेके चली हूँ, मतलब मैंने हर स्टेप को इंजॉय किया, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, मतलब अब मैं देखती हूँ कि उसकी छोटी होती की पिक्चर्स, तो मैं कहती हूँ कि अब इतना बड़ा हो गया है वो माशाल्लाह, कि अब उसके स्कूल जाने वाली एज आ जाएगी, मतलब एंड सिक्स मंथ्स में मैं उसके सोचना शुरू कर दूँगी, क्योंकि फाइनल में उसे प्री स्कूल में भेजना है और ये वो, तो इसलिए मुझे था कि मैंने उसकी हर छोटी से छोटी चीज़ को मैंने मतलब रिकॉर्ड किया है. तो ये मतलब मेरे लिए और बल्कि मेरे हस्बैंड अपनी थोड़ी बिजी स्केड्यूल की वजह से अक्सर ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा जाहिर कभी लेट आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, तो या तो मैं उनको कहती हूँ तुम मिस कर रहे हो, तुम बाद में गिल्ट फील करोगे. सही बात है. ऑब्वियसली टफ होता है, मुश्किल होता है, हर फेज मुश्किल है, मतलब एंड आई थिंक स्पेशली खुद करना क्योंकि जब आपके पास ना, जब आपने काम भी करना हो, जैसे हम वो कहते हैं ना कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड एंड इट्स सो ट्रू. अब क्या है कि पहले लोगों ने बहुत सारे बच्चे पाले जो कि आसानी था बिल्कुल भी, बट वो लोग ना बिगर फैमिलीज, जॉइंट फैमिलीज, कम्युनिटीज में रहते थे, और वो मैंने ना एक्सपीरियंस भी किया एट सम लेवल बाद में, मतलब कितना ही एक्सपीरियंस किया है, मतलब मेरे इन लॉज बाद में आ गए थे तो बस पेरेंट्स इन लॉ ही थे बस. एग्जैक्टली. लेकिन उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील हुआ, बिकॉज द फर्स्ट एटलीस्ट 7-8 months इट वॉज जस्ट मी, मैं घर में अकेली होती थी विद द बेबी, नो बडी एंड इट्स वेरी हार्ड एंड इट्स वेरी आइसोलेटिंग. मैंने मेरी अपनी कोई सोशल लाइफ नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी. हाँ, इस टाइम पे ना ठीक है, ओके फाइन, अगर मैं ऑफिस को मैनेज कर रही हूँ, जो कि मेरी मतलब है कि नहीं ये तो करना है, ये जो ज़रूरी काम है, और उसके बाद बेबी देखना है, घर देखना है, तो उसके बाद सोशल लाइफ जीरो. कब टाइम दूंगी मैं किसी से, महीने हो जाते हैं, मैं अपनी फ्रेंड्स को कॉल नहीं कर सकती. आई थिंक कि अगर इंसान के पास काम हो ना तो फिर भी थोड़ा सा इंसान की थोड़ी सी लाइक दिमाग जो है वो थोड़ा सा चल रहा होता है. लेकिन व्हेन यू आर अलोन एंड यू आर नॉट वर्किंग आल्सो, और फिर आपको अकेले पूरा दिन बस एक बच्चे को देखना, इट इज़ सो टफ, बिकॉज वो एक्सपीरियंस बहुत आइसोलेटिंग है, वो मेंटली बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेनिंग और डिप्रेसिंग है. बिल्कुल ऐसे. और आप बस अकेले राउंड द क्लॉक वही चीज़, वही रूटीन है, बिल्कुल वही, आप सर्कल में चले जा रहे हो, घूमे जा रहे हो उसी सर्कल में. हाँ. वो मुश्किल हो जाता है, और वो फेस में थोड़ा सा जैसे आपके हार्मोन लेवल्स भी अप डाउन हो रहे होते हैं, आपको बगैर बात के रोने आ रहे होते हैं. पोस्टमार्टम को एक बूस्ट मिल जाता है अगर आपके पास कुछ और करने को भी ना हो. लाइक फॉर मी आई थिंक वर्क में हाँ ये चैलेंज होता है कि आपका मॉम ब्रेन होता है और आपकी नींद वैसे ही नहीं पूरी होती, फिर आप सुबह उठ के काम भी कर रहे हो और बच्चे की भी और मॉम की भी और वो सारी चीज़ें होती हैं, बट स्टिल लाइक एटलीस्ट एक चीज़ है जो आपका दिमाग कहीं और थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है. सो आई थिंक बहुत मुश्किल काम है जब आपको वही चीज बस पूरी. बिल्कुल ऐसे ही है, बाकी बहुत वाइल फिजिकली आई थिंक इट्स ड्रेनिंग कि आपको दोनों चीज़ें साथ मैनेज करनी है, बट मेंटली आई थिंक इट्स मोर ड्रेनिंग इफ द ओनली थिंग यू आर डूइंग दैट बिल्कुल अलोन. अगर आपके पास फैमिली और सपोर्ट सिस्टम है, आपके पास आपकी नंद है, आपके पास आपके अम्मी अब्बू हैं या इन लॉज हैं या बहन भाई हैं, तो फिर तो आप काम ना भी कर रहे हो इट्स ओके, बट जब आप अलोन हो तो फिर इट्स वेरी वेरी बहुत मुश्किल होता है. सही कह रही है आप, और आपने खुद इस चीज़ को फेस किया है तो आप बेहतर समझ सकती हैं. हाँ, और जब मैंने काम जब रिज्यूम किया तो आई वाज लाइक ओके दिस इज़ बेटर. वो ये होता था कि मैं भी राफेल को लेके नीचे यहाँ पर आ जाती थी, यहाँ मैंने उसका बैसिनेट सेट किया हुआ था इसी कमरे में, अच्छा अच्छा, और साथ में काम करती थी. सही. सो एंड देन लाइक इट फेल्ट अ बिट वो मुश्किल था कि हाँ साथ बच्चे को भी संभाल रहे हो, साथ काम भी कर रहे हो, बट लेकिन जब आप बाद में सोचते हो ना तो आप बड़ा सेटिस्फाई होते हो कि ठीक है, मुश्किल टाइम हर टाइम ने गुजर जाना है, अच्छा है या बुरा है, मुश्किल है आसान है, गुजरना तो है. तो लेकिन बाद में ना आपको जो वो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है ना वो, या वो जो मतलब सेंस ऑफ अचीवमेंट है, मेरे लिए अचीवमेंट है क्योंकि फाइन मैंने बच्चे के साथ ये काम किया है, ये प्रोजेक्ट मैंने तब हैंडल किया व्हेन ही वाज दिस ईयर ओल्ड. तो आप इस तरह रिलेट कर सकते हो ना, तो वो ये चीज़ बड़ी अचीवमेंट, मतलब अचीवमेंट है आपके लिए. हर छोटी से छोटी चीज़ औरत के लिए अचीवमेंट होती है, क्योंकि शायद उसको हासिल करने के लिए उसे मर्द से ज़्यादा मुश्किल मेहनत करनी पड़ती है. दैट इज़ सो ट्रू. हाँ, सो देन यू वर सेइंग कि देन यू हैड योर देन यू गॉट प्रेग्नेंट अगेन, यू डिड राइट? एग्जैक्टली. हाँ, यू फेल्ट कि नाउ यू, हाँ, कि मेरे बेटे को सिबलिंग की ज़रूरत है, उसकी नेचर में बहुत चेंजेस आ रही थी, कि लग रहा था कि नहीं मतलब हमें ना कुछ प्लान करना चाहिए. और
जितना भी डिले करें जब करना है तो हमें इस स्टेज पे जब उसे सिबलिंग मतलब बच्चे की ना थोड़ी सी मतलब उसकी हैबिट्स या उसकी नेचर ऐसी डिवेलप हो रही थी, मुझे लग रहा था जैसे वो बहुत इस तरह का होता जा रहा है कि बस मैं ही मैं हूँ और ये वो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, सेल्फिश और इस तरह से। तो मुझे था कि और लोनली भी कि मैं किसके साथ खेलूँ, मेरे साथ मैं मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है, और वो फिर पूरा टाइम ना वो फिर मेरी अटेंशन मांगता था कि मम्मा आप मेरे साथ खेलो, इवन अगर उसने स्लाइड भी लेनी है मम्मा आप मुझे देखो मैं स्लाइड ले रहा हूँ। तो इस तरह से ना नहीं उसको बिल्कुल वो मैं ही क्योंकि मेरे अलावा और उसको कोई उसके पास था नहीं तो उसको मेरी अटेंशन चाहिए थी। तो फिर मुझे था कि नहीं मतलब हमें सिबलिंग उसके लिए चाहिए, ये शायद वक्त की ज़रूरत है। और उसके बाद फिर मतलब मेरी अब बेटी पैदा हुई है माशाल्लाह और वो अब 3 मंथ्स की है। तो शुरू में तो उस बड़े बेटे ने मुझे बहुत टफ टाइम दिया क्योंकि उसे ऑब्वियसली 3 साल से आदत थी अकेले रहने की और बादशाह था वो। और अब मतलब अब उसको अपनी मदर को शेयर करना पड़ता है। तो शुरू में तो मतलब छोटे बेबी ने कोई तंग नहीं किया जितना बड़े ने किया। हाँ। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र आहिस्ता आहिस्ता ना वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है कि ये मेरी बहना है और इस तरह से ना कि और फिर इसमें भी ये था कि मैं अगर छोटी को देख रही हूँ तो फिर मेरे हस्बैंड ने उसको हैंडल किया है, मतलब मेरे हस्बैंड मेरी छोटी बेटी को मेरे बेटे का नाम आरिज है उसके सामने प्यार नहीं करते थे कि ये माइंड ना कर जाए। मेरे से तो वो बहुत शुरू में ऐसे हो गया था कि मम्मा बैड है, मम्मा बैड है, क्योंकि उसे गुस्सा आता था तो वो सिर्फ यही बोलता था मम्मा बैड है कि इस बेबी क्यों पकड़नी है। हाँ। तो लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गया। तो वो भी वो 3 महीने की फिर मैंने ब्रेक ली मतलब लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी टिल 2 मंथ्स। तो जब उस मैंने बिल्कुल कोई काम नहीं किया क्योंकि मेरे लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल था, एक तो छोटा बेबी एंड देन अपनी आपकी तबीयत एंड देन फिर एक और वैसे भी लाइक आई डोंट नो मुझसे तो फर्स्ट 3 मंथ्स में कुछ खास नहीं होता था, बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल होता है बिल्कुल। हाँ, ऐसे ही है। तो उसके बाद 3 मंथ में भी ऐसे कि वो मेरा एक पहला प्रोजेक्ट जो है वो मैं अताबाद लेक में एक 4-star होटल डिज़ाइन कर रही हूँ। तो उसका प्रोजेक्ट मेरा इस वजह से रुक गया था कि वहाँ पे हंजा में ना गवर्नमेंट ने NOCs डिज़ाइन की देना रोकती थी। अच्छा। तो इस वजह से मेरे क्लाइंट ने ना उस प्रोजेक्ट को पॉज कर दिया था। तो वो अभी इस मंथ से दोबारा गवर्नमेंट ने रिज्यूम की है तो इस वजह से वो क्लाइंट मेरे पास वापस आ गया, अब हमने दोबारा से स्टार्ट करना। हाँ। तो वो नेचुरल ब्रेक आ गई थी उस प्रोजेक्ट में। तो और इसके अलावा जो और प्रोजेक्ट्स मतलब जो थे मेरे पहले चल रहे थे उनको मैंने इंश्योर किया कि वो मेरे 7th मंथ या मैक्सिमम 8th मंथ तक मैं उनको हैंड ओवर कर दूँ मेरे साथ। और इस ड्यूरेशन में जो मुझसे नहीं हो सकता था तो फिर मैंने जो है वो 2 लोगों को अपने साथ आउटसोर्स किया था, लाइक ऑब्वियसली मैंने उसको उनको हायर नहीं किया था लेकिन वो मेरे साथ अटैच उनको मैंने प्रोजेक्ट में कर लिया था कि मैंने उनको इन्वॉल्व इससे कर दिया कि अगर फॉर एग्जांपल मैं वो चीज़ नहीं भी कर सकती तो वो कंप्लीट कर दे ताकि ऑन टाइम क्लाइंट को वो चीज़ डिलीवर हो सके। तो इस चीज़ के लिए वो फिर ऑब्वियसली वक्त की ज़रूरत भी थी तो इसलिए मैंने उस चीज़ को इस तरह से मैनेज करके अपने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करके और प्रोजेक्ट फिर अभी नहीं लिया था। तो फिर अब ये वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग भी था क्योंकि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल PC बन रहा है उधर हंजा में, उसके बिल्कुल साथ मेरी साइट है। अच्छा। तो वो PC के मुकाबले में मुझे एक होटल डिज़ाइन करना एक्साइटिंग तो बहुत एक्साइटिंग है। और जो ये साइट है वो बहुत ज़्यादा ऑड शेप की साइट है और ऑब्वियसली पहाड़ के ऊपर है तो वो उसको डिज़ाइन करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर इसके विजिट के लिए मतलब मैं हंजा भी गई प्रॉपर साइट देखने के लिए, तो प्रोजेक्ट फन प्रोजेक्ट भी है। हाँ। और अल्लाह का शुक्र है कि वो क्लाइंट भी बहुत अच्छा है, ओपन है कि ओके फाइन मुझे कुछ नई ला के दो चीज़ ना, आई एम ओपन टू इट, मुझे फाइनेंसिस का कोई इशू नहीं है, बस जस्ट क्रिएटिव फ्रीडम है बिल्कुल। हाँ। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट फिर मैंने कहा कि ओके इस टाइम जो है ना मैं अपने दिमाग को मतलब ठीक है, मेरा वही बात है कि मैं बिजी भी हो जाऊँगी, बिजी रहना जो है वो ब्लेसिंग होती है फिर। तो फिर मैंने जो है ना अब दोबारा से स्टार्ट किया इस प्रोजेक्ट को अपने, यानी अब दोबारा से करियर को रिज्यूम इस प्रोजेक्ट से किया है। सो यू मूव टू लाहौर राइट रिसेंटली? हाँ। सो फिर आपने अपने ऑफिस का क्या किया, डिड यू रैप इट अप या आप, क्योंकि आपका यहाँ पे ऑफिस था ना, यहाँ वाले ऑफिस को मैंने अपने 7 मंथ में रैप कर दिया था क्योंकि मुझे था कि अब मैं मजीद ऑफिस तो नहीं जा सकूँगी। तो उसके बाद फिर हम लाहौर मूव करके तो ये था कि अब जो प्रोजेक्ट मेरे पास आया है उसको मैं मतलब होम बेस्ड ऑफिस है उसमें मैं हैंडल कर रही हूँ, डिज़ाइन कर रही हूँ। एक मेरे साथ डिज़ाइन में मैंने और आर्किटेक्ट को अपने साथ एसोसिएट किया हुआ है जो कि मेरे साथ इसको डील कर रहे हैं। तो वो आराम से अभी तक मैंने लाहौर में ऑफिस सेटअप नहीं किया
तो क्योंकि और लेकिन ये है कि घर में भी मैनेज करना दो बच्चों के साथ इम्पॉसिबल होता है कि वो फिर वो आपका माहौल ही नहीं बनता काम करने का नहीं तो फिर ये था कि मेरी जो मदर है वो लाहौर में ही होती हैं तो फिर मैं सुबह सुबह अपने बच्चों को अपनी अम्मी की तरफ छोड़ के और वापस घर आके आराम से इसी तरह काम करती हूँ जैसे मैं अपने ऑफिस में हूँ। तो वो फिर इस तरह से चीज़ें मैनेज हो रही हैं। फिर शाम को जब मैं फ्री हो जाती हूँ तो फिर जो है अपने बच्चों के पास चली जाती हूँ, उनको लेके आ जाती हूँ। और वो भी अब मतलब मेरा बेटा जो है वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि ओके मम्मा ऑफिस की, अभी भी जैसे मैं आई थी तो मैंने कहा मम्मा की मीटिंग है तो कहते हैं ओके अंडरस्टैंड। हाँ उसको ना इन चीज़ों इन टर्म्स का भी पता है अभी इस एज में, और वो हाँ समझता है कि ओके फाइन अभी मम्मा ने जाना है तो फिर उसके बाद वो अब थोड़ी देर बाद ही आएंगी, तो वो फिर अपने आप को खुद ही बिजी कर लेता है, वो तंग नहीं करता फिर किसी को। तो दैट्स रियली गुड आई थिंक कि उसको आपने ये सब उसको समझ आती समझ है, लाइक ही इज रेज्ड एंड ट्रेन्ड इन अ वे दैट ही, क्योंकि शायद उसने छोटे होते से एग्जैक्टली छोटे होते से जो उसने देखा है ना तो वो उसका अंदर ये चीज खुद ही डेवलप हो गई है। सो अभी आपकी जो करियर ब्रेक ली आपने थोड़ी सी, हाउ हैज दैट बीन? वो ज़्यादा लंबी थी नहीं क्योंकि मैं अपने प्रोजेक्ट्स को क्लोज ही कर रही थी, थ्री मंथ्स ऑलमोस्ट। तो उसमें ये था कि लास्ट मंथ में तबीयत भी मतलब ऑब्वियसली ऐसी थी कि और ऊपर से हमें जो लाहौर मूव करना था तो वो पैकिंग अनपैकिंग और वो इस तरह की चीज़ों में मेरा टाइम गुजर गया। और फिर उसके बाद जो स्टार्ट के टू मंथ्स थे वो मेरे बेटे ने बहुत टफ टाइम मुझे दिया, तो वो इस वजह से जो है ना वो बहुत ही हेक्टिक थी। तो बल्कि अभी जब मैंने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया तो मेरे हस्बैंड यही कह रहे थे कि बिजी ना ब्लेसिंग है, तुम दो महीने से ना कोई छोटी छोटी बात पे मेरे से लड़ाई करती थी। हाँ, क्योंकि वो वही बात है अगेन, जब आप काम नहीं कर रहे तो ऑल ऑफ दैट गेट्स टू योर हेड, आपको बिल्कुल वही ना, तो इतनी स्टूपिड बातों पे मैं वे मतलब लड़ना शुरू कर देना। और ये वो तो अब ये था कि वो मुझे खुद कहते कहते बिजी रहना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे रिलेशनशिप के लिए बेहतर है सही तो इसलिए इस तरह से गुजरे थे। अच्छा, सो इस ये तो आपने बताया कि अच्छा जो आपका पहला बेटा है उसको मुश्किल लगा, बट जनरली एज अ मदर वो तो आपका एक चैलेंज था, एक बच्चे में और एक के बाद दूसरे में उस मदरहुड एक्सपीरियंस में कितना फ़र्क है? वो ऐसे है कि एक तो ऑब्वियसली फिज़िकली भी आपके अंदर बहुत सी चेंजेस होती हैं, मतलब आप जब पहली दफ़ा एक्सपेक्ट करते हो आपके एनर्जी लेवल्स और होते हैं, फिर दूसरी दफ़ा में ऑब्वियसली आपके उनसे कम होते हैं, फिर एज भी आपका डिफरेंट होता है एक फैक्टर। तो और फिर उस तरह से कि जब मतलब मैंने पहली दफ़ा कंसीव किया मेरे पास एटलीस्ट एक बच्चे की जिम्मेदारी तो नहीं थी ना, मैं फ्री थी। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने उस बेटे को भी देखना था, हैंडल करना था, और उसकी तो वही चीज़ें और वही रिक्वायरमेंट्स थी जो कि मतलब मैं जब नॉर्मल हूँ एक टॉडलर की एग्जैक्टली, और जब मैं नॉर्मल हूँ तो मैंने तब भी मैं वैसे करी थी, तो वो तो ये एक्सपेक्ट करे कि मम्मा अभी भी मेरे पीछे भागेगी और खाना नहीं खा रहा तो मुझे पीछे पीछे आके बाइट देगी और इस तरह की चीज़ें, लेकिन आप वो नहीं कर सकते, आप थोड़ा सा जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हो, मुश्किल होता है पहले के बाद ऑब्वियसली दूसरी प्रेगनेंसी मुश्किल होती है क्योंकि आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एड ऑन होती है। बट फिज़िकली तो मुश्किल हैं चीज़ें, उसके अलावा फिर इस चीज़ की जो बच्चे के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ ऐड होने तो वो भी मुश्किल हो जाता है। डू यू थिंक क्योंकि पहले एक दफ़ा आपने कंसीव भी कर लिया होता है, बेबी भी कर लिया होता है, तो डू यू थिंक कि वो दैट मेक्स द सेकंड बेबी अ बिट ईजियर टू मैनेज बिकॉज यू नो वट यू आर डूइंग? पहली दफ़ा तो बंदा फिगर आउट ही कर रहा होता है ना। एग्जैक्टली exactly. नहीं ऐसे ही है, और मुझे ऐसे था कि जो जो गलतियाँ मैंने आरिस की दफ़ा की हैं वो मैंने अब नहीं करनी। जैसे शुरू में वो मतलब था तो मैंने जाहिर है प्यार प्यार में हर कोई उठा रहा है तो उसको थोड़ी गोद की आदत हो गई, तो वो मुझे थोड़ा चैलेंज हुआ कि अब जैसे मेरी बेटी को कॉट की आदत है, ओके फाइन वो बेचारी कॉट पर लेटी रहती तो इस तरह फिर उसकी ईटिंग हैबिट्स में मैंने उसको बहुत स्पॉइल किया, उसकी स्पून फीडिंग की आदत अभी तक नहीं गई है, मुझे अभी तक उसको बिठा के स्पून फीडिंग करानी पड़ती है, बल्कि मैं राफेल की वीडियोस आपने जो कि वो देखी वो सब कुछ खाता है और वो मतलब खुद खाने की ट्राई करता है, आपने उसे इस तरह से ट्रेन किया है, तो मतलब मैंने बहुत गलती की कि मैंने उस टाइम जब फिंगर फूड का टाइम था तो मुझे उस टाइम उसको वो वैसे ट्रीट करना चाहिए था। तो वो तो मुझे बस ये कि जो जो चीज़ें यानी आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ यहाँ पे मैंने ये चीज़ ठीक नहीं की ना, तो अब मैंने ऐसे नहीं करना। तो बाकी हर बेबी डिफरेंट होता है, हर बेबी की नेचर डिफरेंट होती है, तो इस वजह से अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि जो मेरी बेटी है वो बड़ी काम बेबी है। अब आई डोंट नो कि वो बेटी है दैट्स व्हाई वो काम है या वो सेकंड चाइल्ड है। लॉट्स ऑफ पीपल से दिस कि लड़कियों और लड़कों में बहुत फर्क होता है, शायद लड़के हाइपर एक्टिव होते हैं
राफेल मुझे समझ नहीं आता मैं उसे कंट्रोल कैसे करूं. He's just like a ball of energy all the time. Exactly. वो ना उनकी एनर्जी बर्न कब होती है, खत्म, ड्रेन कब होगी या हम ड्रेन हो जाते हैं. लाइक देयर इज नो मोमेंट ऑफ काम विद देम. बिल्कुल ऐसे. लेकिन मैंने लड़की बेबीज को हमेशा ये देखा है, उनको बिठाओगे बैठ जाएंगी. हां बैठी रहेंगी. हां लड़कों को बिठा ही नहीं पाते, हम बिठा रहे हैं, बिठा ही नहीं, बैठ करते. That's true. It's just like, can you just sit? बिल्कुल ऐसे ही है. तो वही मैं कहती थी कि शायद वो बेटी है इसलिए वो काम है. लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक तो मतलब उस लिहाज से मैं ईजी हूँ. लेकिन वो मतलब थोड़ा सा बेटे ने टफ टाइम दिया ऑब्वियसली, कि जब उसको शेयरिंग की आदत नहीं थी तो उसे वो मेरी कल मेरी एक फ्रेंड ने एग्जाम्पल मुझे दी और मुझे उसकी एग्जाम्पल बिल्कुल पसंद नहीं है. कहती है तुम्हें कैसा लगे कि तुम्हारा हस्बैंड जो है वो मतलब यू हैव टू शेयर विद सम अदर वुमेन. मैंने कहा क्या कह रही हो. कहती है तो तुम यही सोचो ना कि वो भी ऐसा फील कर रहा है कि मेरी मम्मा जो है वो किसी और के साथ शेयर हो रही है. मैं कहती है मैं तुम्हें सिर्फ सोचने के लिए ये बात कर रही हूँ. लेकिन रिलेट करने के लिए ना, तो इस वजह से क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुई हुई थी तो मैंने मतलब एक था एक दफ़ा मैंने उसको थप्पड़ मार दिया. बाद में मुझे गिल्ट भी बहुत हो रहा था कि यार मैंने क्यों ऐसे किया. तो थोड़ा सा ऑब्वियसली हमें भी काम रहकर इन चीज़ों को देखना होता है. लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि आप हर टाइम काम रहो. आप कभी एक वो आता है पॉइंट जब आप थक जाते थक हो जाते हो लाइक बस हो जाती है आपकी बस. हाँ, हो जाती है. हाँ इस तरह से बच्चे ना दे कैन रियली मेक यू क्रेजी. लेकिन उनका हर फेज जो है ना वो मज़े का है. हर फेज मज़े का है. हाँ. तब अब जब छोटे थे तो उनकी अलग वो चीज़ें थी. अब जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं तो अलग अलग चीज़ें आ रही हैं. लेकिन वो द ओनली ईजी डे वॉज यस्टरडे. जैसे जैसे ग्रो होगी ना मुश्किल और चैलेंजेस ज़्यादा ही होने हैं. वो भी टॉटलर बनेगी और एग्जैक्टली वो फिर जो है वो टेरेबल टूज और फिर सारा तो वो जो टर्म्स है ना वो बिल्कुल सही है. हाँ और अच्छी बात है वो टर्म्स हैं बिकॉज इट मेक्स यू फील लाइक इट्स नॉर्मल. हाँ कि हम प्रिपेयर हैं. हाँ ये तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, ये होना है. दे हैव टू ग्रो थ्रू दिस बेसिकली. या एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट. बिल्कुल ऐसे ही. हाँ सही बात है. सो आपकी मैंने देखा कि आपके स्पेशली लाइक मैरिज के बाद अब दो बच्चों तक बहुत कुछ आपने अचीव किया है और किया है. आपका अब दो सवाल हैं. एक ये कि आपकी व्हाट आर सम ऑफ द की लर्निंग्स जो आप मुझे बता सकती हैं कि इस पूरे प्रोसेस में हुई लाइफ के बारे में. लाइफ के बारे में मुझे ये लगता है कि जब लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है ना तो शायद उसका जो रिस्पेक्ट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट होता है वो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू एक मतलब बस हाउसवाइफ के. मुझे ऐसा फील होता है. और इसलिए लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए. लेकिन आपको क्या लेकिन ये नहीं लगता कि ये बात गलत है? अगर वो हाउसवाइफ भी है तो उसको उतनी ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए. नहीं हमारे मैंने जो चीज मिलता नहीं है मैंने जो चीज इर्द गिर्द में ऑब्जर्व की है मैं आपके साथ वो शेयर करी. हाँ नहीं लेकिन मैं आपसे एक अल्टरनेट क्वेश्चन पूछ रही हूँ. जस्ट बिकॉज वो हाउस वाइफ है या स्टेट होम मॉम है उस काम की भी तो वही कर वही है. एग्जैक्टली बस वो मतलब उस काम को काम समझा ही नहीं जाता. हाँ. कि ठीक है मतलब एक बंदा पूरा दिन घर में लगा रहे सफाई की चीज़ें समेटी. छोटे छोटे घर के इतने काम होते हैं जो कि ख़त्म भी नहीं होते. लेकिन जब आप घर हो तो आप किसी कोई जैसे हस्बैंड आपके घर है आप ये नहीं बता सकते मैंने आज ये किया ये किया ये किया ये किया तो एक्नॉलेज इट. वो उसको घर साफ मिला है तो ये तो नॉर्मल है. उसके लिए रियलाइजेशन ही नहीं है कि एग्जैक्टली जो इसके पीछे भी एफर्ट है इसके पीछे भी किसी की एनर्जी है. वो ये सब कर रहे हैं तो जो कुछ वो भी अचीव कर रहे हैं वो क्योंकि आपकी वाइफ ने जो कुछ वो कर रही है वो आपको एनेबल कर रहा है. इट्स सपोर्ट. बिल्कुल एग्जैक्टली. अगर वो ये नहीं करेगी तो आप अपना काम नहीं कर सकते. आप जिस तरह से अब आपको सब कुछ रेडी मिलता है आप दफ्तर के लिए जब जा रहे हो आपके कपड़े जूते नाश्ता सब कुछ रेडी है. बिल्कुल. तो अगर नहीं होगा तो आप क्या करोगे? आप फिर पहले अपनी चीज़ें मैनेज करोगे फिर आप अपना खाने का कुछ करोगे फिर आप दफ्तर जाओगे तब तक आप कितनी अपनी एनर्जी यूज़ कर चुके होगे. तो मतलब लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि एक्नॉलेज नहीं की जाती ना. वो कहते हैं कि ये तो अंडरस्टूड है
मतलब इस वजह से शायद वो फिर जो रिस्पेक्ट का लेवल है ना वो है, होना चाहिए, मैं नहीं कहती नहीं है, लेकिन होना चाहिए जो हमारे माशरे में नहीं है, ये शायद ईस्टर्न कल्चर में नहीं है, मे बी वेस्ट में शायद जब दोनों घर के काम करते हैं तो उन्हें रियलाइज़ भी होता है कि हाँ घर के काम भी जो हैं वो करने में कितनी एनर्जी लगती है. ट्रू. तो अभी हमारे जब औरतों की सारी जिम्मेदारी होती है तो इसलिए फिर बाकी लोगों को फील नहीं होता, पता ही नहीं है कि एफर्ट है. एफर्ट है एग्जैक्टली. वो पूरा दिन में आज क्या किया तुमने पूरा दिन में भाग लू एक छोटा सा छोटी चीज है, ये चीज है समेटी, वो किया, ये किया, ये किया. अब वो आप छोटी छोटी चीजें गिनवा नहीं सकते ना. बिल्कुल बिल्कुल. तो इस वजह से और दूसरा ये कि दूसरा पॉइंट जो कि मैंने पहले भी कहा कि लड़कियों के लिए स्किल बेस्ड एजुकेशन बहुत जरूरी है. मतलब वो कुछ भी कर लें, कुछ डिज़ाइन कर लें, कोई सॉफ्टवेयर स्किल्स सीख लें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लें, लेकिन कुछ ऐसा करें आजकल कोई आर्ट से रिलेटेड कुछ कर लें कि वो घर बैठ के भी चीज़ों को हैंडल कर सकें. और आजकल तो इस तरह के इतने अच्छे, मतलब हम सोशल मीडिया हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया कि हम आराम से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं. अब वो मैं जिस सिस्टर का बता रही थी कि वो रेजिन आर्टिस्ट है, तो वो आराम से अपने पेज पे उसको ऑर्डर आते हैं और वो बस डिलीवर करती है उसको कोई, और इवन जो उसके प्रोडक्ट्स हैं वो भी ऑनलाइन मंगवा लेती है. तो उसको तो कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं होती कि कोई मसला है, कोई इशू हो गया, अब हम ये चीज़ लानी है और फिर ये काम होगा, कुछ भी नहीं है. तो अब तो चीज़ें इतनी ईजी हो गई हैं. लेकिन वही बात है कि फिर क्योंकि हम अपने आप को अगर ऑफिस तक डिपेंडेंट रहेंगे, फिर ऑफिस जाना आना कौन, फिर पीछे से घर की मैनेज कैसे करनी है चीज़ें, फिर कौन आपको अलाउ करेगा कि आप जाओ और ये वो, तो बहुत सी रुकावटें आ जाती हैं ना. तो एटलीस्ट चले आपके पास कुछ भी है तो आप एक छोटे स्केल पे कभी ना कभी, आप ये नहीं है कि आपको ज़िंदगी में ज़रूरत मतलब पड़ेगी तो आप कुछ ना कुछ कर तो सकते हो. जैसे पहले ज़माने में होता था सिलाई, जो होता था ओके फाइन, सिलाई बुनाई लोगों को आती थी, वो स्किल्स थे. ठीक है, अगर जैसे कोई मिडिल क्लास फैमिली की और उनकी फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं है तो चलो वो औरत घर में कपड़े सीना शुरू कर देगी, उसके पास स्किल्स हैं. तो इसलिए स्किल्स होना बहुत जरूरी है कि किसी ना किसी पॉइंट पे आप अपने फैमिली को सपोर्ट कर सको अगर आपके पास जो है वो मतलब कोई ऐसा मौका आता है जिंदगी में तो. यस, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और स्किल्स का वही बात है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि फिर वो आप अपने घर से भी कर सकते हो, आराम से मैनेज हो जाती हैं चीजें. आई थिंक दैट्स अ वेरी स्ट्रांग पॉइंट के औरतों को स्किल्स अगर आए सो दे कैन रियली you know work for themselves then. बिल्कुल ऐसे for themselves, for the family. मतलब जब उन्हें अपने लिए नहीं अपनी family को कभी किसी ना किसी point पे support करनी पड़ेगी तो वो कर सकती हैं. हाँ, ये नहीं है कि वो हाथ पे हाथ धर के बैठी रहेंगी रख के और वो किसी का वेट करेंगी कि अब उन्हें बाहर से कोई आके Prince Charming आके मुझे बचाए या बाहर से कोई help out करेगा. अपने पाँव पे खड़े होने की जरूरत, capability होनी चाहिए. exactly. हाँ, that's true. कि किसी मौके पे भी उन्हें ज़रूरत पड़े वो कर लें. एंड व्हाट आर योर सम ऑफ योर लर्निंग्स एज अ मदर, वर्किंग मदर? वर्किंग मदर की किसी की भी मत सुननी चाहिए, किसी की भी नहीं सुननी चाहिए. सही बात है. और जो आपको ठीक लग रहा है ना बस आप वो करो, जिस तरीके से आपको लग रहा है कि चीज़ें जो हैं वो आप मैनेज कर रहे हो, आपका बेबी है एग्जैक्टली और आपका काम है तो यू नो बेस्ट कि आपने किस तरीके से बेबी को और काम को लेके चलना है. तो इर्द गिर्द के जो नेगेटिव वो करने की कोशिश करते हैं लोग, उनको जो है ना जस्ट रोक लो और बस फिर जो है ना अपने अपने से सोचो. और दूसरा ये कि मैं भूल गई दूसरा क्या कहना. अभी जो आपने बात की कि दूसरे लोग कहते हैं, असल में एक प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आगे पीछे आपको लोग कह ना भी रहे हो ना, कंपैरिजन आप खुद करते हो. बहुत सारे लोग खुद कंपैरिजन करते हैं कि मैं तो यूं कर रही हूँ, फलाना यूं कर रहा है, शायद मैं, क्योंकि मॉम गिल्ट होती है. एग्जैक्टली. तो आई थिंक एज अ मदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कंपैरिजन ना करें, स्पेशली उन चीज़ों में जो आपके सर्कमस्टेंसेस फ़र्क हैं. वही ना, हमारी सिनेरियोज़ ही फ़र्क हैं. वो अगर कोई बहुत अच्छा अपने उसके बच्चे की प्रॉपर रूटीन है, 8 बजे सो जाता है, सब वो जल्दी उठ जाता है, इस टाइम पे खाना खाता है और ये वो, तो वो तो उनकी अलग वो कर सकते हैं. सिनेरियोज़ ही और हैं, उनको वो चीज़ें मैनेज नहीं करनी पड़ी जो आपको करनी पड़ रही हैं. तो इसलिए मैं उनके साथ कंपेरिजन करके फिर अपनी चीज़ें ख़राब करूँगी और मेरी प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली इफेक्ट होगी. तो इसलिए बेहतर यही है कि मैं अपने लिहाज से बस चीज़ों को देखूँ और चलाऊँ. अच्छा, मेरे साथ कभी कभार होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह से वैसे फ्रॉम द स्टार्ट फॉर सम रीज़न आई डोंट नो व्हाई मैं अपनी मदरहुड के बारे में आई हैव बीन वेरी सिक्योर कि यू नो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज़ हाउ आई एम डूइंग. मुझे नॉर्मली उस तरह फील नहीं होता, लेकिन कभी कभार ना जब मैं
फुल टाइम मदर्स के साथ बैठी हुई होती हूँ ना, तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं उसके बाद में थोड़ा सा डिप्रेस्ड क्यों फील करती हूँ. और फिर मैंने रिसेंटली आइडेंटिफाई किया कि मुझे ना गिल्ट होना शुरू हो जाता है उनमें बैठ के, उनकी बातें सुन के, कि शायद मेरे में कोई मैं कुछ कमी है कि अच्छा वो. तो फिर वो बात है कि वो मुझे कह भी नहीं रही ने, वो बता भी नहीं रही, लेकिन वो एक अपनी गिल्ट है जो शायद अंदर से वो होती है कि ओ यू नो. और फिर उसको आपको इंटरनली खुद फाइट करना पड़ता है कि नहीं यार, दिस इज़ अ डिसीजन आई हैव मेड फॉर माई सेल्फ. एंड स्पेशली वो फुल टाइम मॉम्स जिन्होंने अपना काम छोड़ा है फिर आपको ज़्यादा फील होता है कि उन्होंने प्रायोरिटी दी है उस चीज़ को, काम छोड़ा है और वो किया है, जबकि उनके मसले अलग हैं, उनके भी मसले अलग हैं, उनको मसले तो उनको भी ये मसला होता है कि यार हमने अपना काम छोड़ दिया, उनको इस चीज़ का गिल्ट होगा, उनको इस चीज़ का गिल्ट होता है, उनको होता है कि हमने अपने आप को छोड़ दिया, हमने अपना काम छोड़ दिया, हम बस यही करते रह गए. सो आई थिंक वो हर किसी का अपना है. लेकिन मतलब जैसे हमारे अगर हम इस्लाम को भी देखें तो उसमें भी बैलेंस्ड है ना, तो हम बैलेंस कर रहे हैं ना, हम ये तो नहीं क्योंकि फाइन हमने एक चीज़ छोड़ दी और हम एक चीज़ को लेके वो कर रहे हैं, हम मदरहुड को भी लेके चल रहे हैं और हम अपने काम को भी लेके चल रहे हैं, किसी भी चीज़ में बैलेंस इज इंपॉर्टेंट. अपनी लाइफ को अगर हम बैलेंस करके चल रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो मतलब हम सेटिस्फाई होने चाहिए, ठीक है. हम और अगर मतलब अपने हम उनके बच्चों के साथ अपने बच्चे का कंपैरिजन करें तो मुझे नहीं लगता कि हमारी बच्चे में किसी चीज़ की कमी होगी, ना तरबियत की, ना लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कमी है, शायद वो एटिकेट्स में उनसे बेहतर होगा. आई थिंक कंपैरिजन है ही नहीं, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो स्टेट होम मॉम्स के फायदे हैं बच्चों के, लेकिन वर्किंग मॉम्स के भी फायदे हैं. देर नेवर गोइंग टू बी सेम, बट देर गोइंग टू बी डिफरेंट इन डिफरेंट इन डिफरेंट फेजेस. डजंट मेक वन बेटर देन द अदर. एग्जैक्टली. सो ये बात है ना कि कंपैरिजन है ही नहीं. वो सर्कमस्टेंसेस हैं. वो वैसे ही हमारे अंदर जो थोड़ी देर के लिए गिल्ट आता है तो फिर हम वही पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर खुद ही लेके आनी चाहिए कि नहीं हम बैलेंस कर रहे हैं, हम ज़्यादा मतलब वो बेहतर शायद कर रहे हैं कि ठीक है हम इसको भी कर रहे हैं और उसको भी हैंडल कर रहे हैं. हाँ ट्रू. हाँ तो इस वजह से मेरे ख्याल से हम सही कर रहे हैं. चले थैंक यू सो मच. थैंक यू हमना. थैंक यू. बहुत अच्छी हमारी जो है वो चैट रही. बहुत सी चीज़ें जो है वो शायद मेरे अंदर थी लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर है, जो कि मैंने कही तो मुझे था कि अच्छा ये थिंकिंग मेरे अंदर है. जब आप एक्सप्रेस करते हो तभी आपको मतलब अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि मेरी लिखने की आदत नहीं है, जैसे आप लिखती हैं क्योंकि बहुत अच्छी आदत है, तो वो फिर अपना जो दिमाग में रहती है अंदर नॉलेज ही नहीं होती, पता भी नहीं होता कि अच्छा आप ऐसा सोचते हो. तो जब आप किसी से ऐसे डिस्कशन कर रहे होते तो पूछते हैं हाँ आपकी तो सोच ये है, ये कोई जिससे आपने क्वेश्चंस किए तो जिसके मैंने आंसर्स किए तो मैंने कहा हाँ मैं तो ये सोचती हूँ. हाँ. जो कि मुझे लाइक बेसिकली मेरे दिमाग में है लेकिन मैंने कोई बात एक्नॉलेज नहीं की होती कभी ना. हाँ. तो इस प्लेटफॉर्म पे आके जो है वो ये भी अच्छा अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि स्पेशली जब ख़त्म हो जाती है कॉन्वर्सेशन तो उसके बाद कि आपने जो मुझसे सवाल पूछा उससे मुझे पहली दफ़ा ये चीज़ सोची कि अच्छा हाँ लाइक ये भी एक सवाल है और इसके बारे में भी कुछ थॉट्स होनी चाहिए. Exactly. तो अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने तो कभी ये सोचा नहीं या मैंने जिंदगी में पहली दफा ये बात पहली सोच मतलब और सोच के अभी ही आपको ही आंसर किया. हाँ. बिल्कुल ऐसे जनरल लाइफ कॉन्वर्सेशंस में आप करते हो बहुत सारी बातें लेकिन आप इस ना कोई आपसे इस इंटेंशन के साथ बैठता है कि मैंने इससे सवाल पूछना है. Exactly. तो जब आप उस सेटिंग में होते हो तो फिर आपसे कोई सवाल पूछता है. बिल्कुल ऐसे ही सही. चलो वी बीन टॉकिंग फॉर 1 hour and 20 minutes. Oh my God. We should wrap this up then. Thank you so much. Thank you so much, Hamna. Thank you for this opportunity. Thank you for coming. जहाँ पे स्पेशली मैं अपने फादर और अपने हस्बैंड को जो है ना इस चीज़ का मतलब वो कर सकूँ कि मेरी इस स्ट्रगल के पीछे जो है उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है जिसके बगैर जो है वो मैं बिल्कुल मतलब शायद ये चीज़ें ना अचीव कर सकती जो मैं अब हूँ. हाँ एंड आई थिंक मोर बॉयज़ एंड मैन नीड टू सी दिस के कितना फ़र्क पड़ता है उनके सपोर्ट से. बिल्कुल ऐसे ही वुमेन. एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू दिस एपिसोड. प्लीज़ लीव योर कॉमेंट्स एंड योर थाट्स एंड वट यू थिंक. A lot to learn from Kurutalan's journey. so much the journey from, you know, ek small town se yahan par aake aapne jo achieve ki hai aur jo aapki learnings hain, very different from a lot of people. So bahut refreshing tha, bahut insightful tha. Same here. hope it helps you guys as well. And don't forget to like and don't forget to subscribe and I'll see you again next time. Allah Hafiz.